बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम प्योरली ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इसलिए भी है बिकॉज हम बहुत टाइम से कोर्स के अंदर फेक ऑफ ब्यूटी को फोकस कर रहे थे, बट आज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं चाहती थी कि कोई ट्रीट हो, कुछ एक्स्ट्रा उनको अपनी ब्यूटी मेंटेन करने के बारे में चीजें पता चलें, इसलिए हमने ये एक सेपरेट क्लास रखी है। टॉपिक है हमारा डेली स्किन केयर रेजिम। डेली स्किन केयर रिजीम क्या होती है, हम सबको पता है। हम सब सुबह उठते हैं, चाहे खातून हो या मर्द हो, हम सब टूथब्रश करते हैं, मुंह धोते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली जो भी हमारे काम वगैरह होते हैं, वजू करते हैं। अगर जो लोग मतलब ऑब्वियसली मुस्लिम है और हम नमाज पढ़ते हैं, तो वजू करना और ये सारे काम करके उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करके तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक पूरे दिन की जो खातून होती है, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आमना को मेरी आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को आवाज आ रही है जी? बाकी को बहुत मेरी? कम आ रही है, सुन नहीं सकती। क्लियर, इट्स क्लियर। अच्छा, कुछ लोगों को क्लियर आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग्स में कुछ नहीं किया। आप लोग अपना वॉल्यूम चेक करें, लैपटॉप या अगर सेलफोन पे सुन रहे हैं उसका वॉल्यूम चेक करें, मे बी आपका वॉल्यूम कम हो। ठीक है, सो आज हम ये क्लास इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको इस क्लास में बेसिक स्किन की थोड़ी सी डिटेल बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको फेस टू फेस नहीं देख सकती सब लोगों को, तो एटलीस्ट इतना आपको समझ आ जाए कि आप अपनी जो स्किन है उसको समझ के और अपने लिए अपने अपने जो भी आपकी कंट्रीज हैं उसमें प्रोडक्ट परचेज कर सकें। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी हमेशा से आदत है, क्लास हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और एक किसी आयत को जरूर पढ़ते हैं। आज हमने जो आयत मैंने सिलेक्ट की है वो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस दिन कई चेहरे रोशन होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे, तो वो लोग जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा कि क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हुए थे, तो अब अपने कुफर के बदले में अजाब का मजा चखो। ये आयत इसलिए मुझे बहुत अपीलिंग लगी आज के टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि हम ऑब्वियसली खवातीन हैं और हम ब्यूटी जो है वो प्राइमरीली डिफाइन ही औरत के दम से की जाती है। जो कहते हैं ना, वजूदे जन से है, आई थिंक तखलीके कायनात में रंग, इस तरह करके कुछ एक शेर है उर्दू का, तो तस्वीरें कायनात में रंग, यस। सो ये कि ऑब्वियसली ब्यूटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की जो ब्यूटी है, जो आखिरत, जो क्यामत के दिन हम उठाए जाएंगे, तमाम मर्द और औरत सबको अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, उस दिन की खूबसूरती बहुत मैटर करती है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि हम दुनिया के लिए अपनी ब्यूटी और अपनी स्किन और अपनी जो ग्लो है चेहरे की, उसके ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ध्यान में ये भी रहना चाहिए कि जो हमारी आखिरत की खूबसूरती है, जिस दिन हम अल्लाह ताला के सामने उठाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला हम सबको रोशन चेहरों के साथ उठाए और हमें खुशी और ग्लोइंग फेस के साथ उठाए। हमें से अल्लाह ताला हमें माफ करे, कोई भी ऐसा मुसलमान मर्द और औरत ना हो जिसे अल्लाह ताला स्याह चेहरे के साथ उठाए, क्योंकि इस आयत से पता चलता है कि स्याह चेहरे उन लोगों के होंगे जो ईमान लाने के बाद, यानी जो सच को, ट्रुथ को जानने के बाद कुफर में पड़ जाएंगे। तो ईमान लाने के बाद कुफर में पड़ने का मतलब यही है कि जिनको सच्चाई पता होगी, जो मुसलमान होते हुए भी कुफार जैसी हरकतें कर रहे होंगे या गुनाहों से दूर रहने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके चेहरे क्यामत के दिन स्याह हो। तो अल्लाह ताला जो है वो उनसे फिर पूछेगा, उनसे कहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो अब अपने कुफर के बदले में अजाब का मजा चखो। सो ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना कि हमने दुनिया और आखिरत दोनों की ग्लो के लिए काम करना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको साइंस जरूर पढ़ाती हूँ। मेरा ख्याल है जो लोग साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी कभी जिंदगी में, बचपन में क्लास 5-8 तक पढ़ी होगी, वो भी थोड़ी थोड़ी अब साइंस समझना शुरू हो गए होंगे मेरे साथ रहते रहते।
तो स्किन का स्ट्रक्चर पता होना और स्किन है क्या चीज ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो से नहीं पता होंगी तो आपके लिए प्रोडक्ट खरीदना अपने लिए और चीजों को समझना कि छाइयां कहाँ पड़ रही हैं, दाने कहाँ निकल रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्किन के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब ये कि स्किन ऑब्वियसली आपकी सर से लेकर पैर तक पूरी इसने आपको गिलाफ की तरह ढका हुआ है। हर चीज के ऊपर आपकी स्किन है, आपके हाथों के ऊपर स्किन है, आपके हाथों के अंदर वाली साइड पे स्किन है, आपके स्कैल्प पे स्किन है, हर जगह स्किन है। तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसका सही होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर या आपकी बॉडी के बाहर कहीं पर भी कोई मसला हो रहा होता है तो आप समझेंगे ये एक अल्लाह ताला ने हमें एक अलार्मिंग सिस्टम दिया है। एक अलार्मिंग सिस्टम इस तरह दिया है कि अगर बॉडी के अंदर कोई मसला हो रहा है तब भी स्किन के ऊपर कोई ना कोई मसला आना शुरू हो जाएगा, और बॉडी के बाहर यानी आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट में अगर कोई मसला हो रहा है तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है स्किन का कि स्किन आपको फौरन बताती है कि आपके इर्द गिर्द एनवायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब अगर आप ये स्किन की, वैसे जरा टेक्निकल सी डायग्राम लग रही है लेकिन अगर आप इसको देखें, मैं आपको सिंप्लीफाई करके पढ़ाती हूँ कि स्किन की तीन परतें होती हैं, परतों से मेरा लेयर्स है। ठीक है, एक ही आप देख रहे हैं नाम लिखे हुए, ये की पहली लेयर है ये जो सफेद रंग की आपको नजर आ रही है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो लेयर है उसके अंदर ये जो आपकी बेसिकली ये सफेद और ये थोड़ी सी पिंक 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 ये आपको डिमार्केशन नजर आ रही है। ठीक है, एपिडर्मिस जो है वो आपकी सबसे ऊपर वाली पहली लेयर होती है और ये वो लेयर है जिसमें स्किन के तकरीबन 80-90% मसले इस लेयर में होता है। तो अगर आप इस लेयर को अच्छे से इसका ख्याल रखना शुरू कर दें तो आपकी स्किन की जो मुख्तलिफ छाइयां वगैरह और दाने और सेंसिटिविटी के मसले होते हैं वो इस लेयर में होते हैं। ठीक है, सेकेंड लेयर जो है वो हमारी डर्मिस होती है। डर्मिस अगर आपके देखें ये डिफाइन हुई हुई है ये ब्रैकेट के अंदर, यहां से लेकर ये यहाँ तक जो है वो ये एरिया जो है वो डर्मिस है, और डर्मिस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि हमारा ये जो चाहे आपकी बॉडी हो या चाहे आपका स्कैल्प हो, उसमें हमें पता है कि स्कैल्प पे लंबे बाल होते हैं और बॉडी पे बारीक रुआ या छोटा बाल होता है। सिर्फ जो पाओं की जो तलवे होते हैं, जो सोल होते हैं और जो हाथों की हथेलियां होती हैं उसके अंदर ये बाल नहीं होते, अदरवाइज पूरी बॉडी पे हर जगह ये बाल होते हैं। ठीक है, सो ये आपके जो है वो आपको बाल इसमें क्लियरली नजर आ रहा है ये। ठीक है, और ये बाल के साथ देखिए एक चीज, ये एक अंगूर जैसी चीज लगी हुई है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, यानी ये आपके जिस्म स्किन के अंदर तेल बनाने वाले वदूद जो होते हैं उनको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। आपने सीबम का वर्ड सुना होगा, अक्सर प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखा होता है कि कंट्रोल सीबम या ऑयल कंट्रोल, तो ये वो ग्लैंड है जो कि आपकी पूरी बॉडी में ऑयल बनाता है जिसको हम कहते हैं सीबम। ठीक है, सीबम गंदा वाला तेल है, गंदा वाला तेल इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि अगर इसकी यहाँ से तेल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और एक्नी बनती है। ठीक है, और इसका देखिए डायरेक्ट मुंह नहीं खुल रहा ऊपर स्किन में, ये क्या कर रहा है, इस जो ग्लैंड है इसका मुंह बाल में खुल रहा है और ये क्या करता है, ये अपना सारा तेल इस रुएं या बाल के ऊपर उंडेलेगा और ये बाल के थ्रू लग के फिर तेल स्किन में ऊपर आता है। ठीक है, इसीलिए आप सब ये देखें कि हमारे पाओं के जो तलवे हैं यानी सोल और जो हमारे हाथों की हथेलियां हैं उसमें क्योंकि बाल नहीं होते तो इसलिए उसमें तेल नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अगर आपके हाथों और पैरों के नीचे तेल आना शुरू हो जाएगा तो चलते चलते हम फिसल के गिर जाएंगे, और हाथों में अगर तेल होगा तो हम चीजों को ग्रिप कैसे करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ा टेक्निकल और बड़ा वाइसली इस चीज को, क्योंकि अल्लाह को पता था कि इंसान ने क्या क्या काम करने और चलना फिरना है, तो हमारे पाँव सोल्स में और हथेलियों के अंदर ये बाल नहीं होते, और जब बाल नहीं होते तो ऑटोमेटिकली जो तेल बनाने वाले गुदूद हैं वो भी इस जगह पे नहीं होते और हमारे हैंड पाम्स और सोल्स में जो है वो ऑयल नहीं आता। अच्छा, ये एक देखें, ये एक गुच्छा सा जैसे उलझा हुआ सी एक चीज है और ये इसकी एक नाली सी जा रही है और ये ऊपर खुल रही है। ठीक है, ये है आपका स्वेट ग्लैंड यानी आपका पसीना बनाने वाला जो ग्लैंड होता है, और इसको देखें इसको बाल की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जाके ऊपर स्किन में खुल रहा है। इससे साबित होता है कि पसीना जो है उसको बाल की जरूरत नहीं है बाहर आने के लिए, लेकिन तेल को जरूरत है रुए या बाल को बाहर आने के लिए। इसलिए हमारे जो हथेलियां और पाओं के नीचे सोल्स हैं उसके अंदर पसीना आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बेशक बाल नहीं है लेकिन क्योंकि इस जो स्वेट ग्लैंड है इसको बाहर देखें डायरेक्ट इसकी नाली स्किन पे खुल रही है, इसको किसी बाल के साथ खुलने की जरूरत नहीं, तो इसलिए जो स्वेट पोर है यानी स्वेट ग्लैंड है ये ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड लेयर में होता है स्किन की, और ये डायरेक्ट स्किन के ऊपर खुलता है, इसको किसी बाल या किसी
सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही काम करता है, लेकिन जो तेल वाला है वो बाल के बगैर काम नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज इसमें आपको नजर आ रही है, देखें ये एक मसल सा है, छोटा सा बारीक सा मसल है जिसको इरेक्टर पाइले मसल कहते हैं। ये वो मसल है जिस जो के जब आपको सर्दी लगती है या आपको डर लगता है, दोनों केसेस में बाल खड़े हो जाते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रोंटे खड़े होना, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका एक मसल है छोटा सा, जो आपके एक आपके वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, इसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते इस मसल को। ये ऑटोमेटिकली जब आपको सर्दी लगती है तो बाल खड़े हो जाते हैं, या जब आपको डर लगता है या कोई इस किस्म की जो फियर फाइट फ्राइट उसको कहते हैं टाइम होता है, जिसमें डर लग रहा है या कि कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बाल ये इसको पुल करता है, और यहाँ से बाल जो है ना वो जो लेटा हुआ होता है वो यूं खड़ा हो जाता है। बिल्लियों की लड़ाई कभी आपने गौर किया तो बिल्लियों के अंदर जिस वक्त लड़ना खड़े होती है ना वो सारी, तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। जानवरों में बड़ा आपने ऑब्जर्व किया होगा, अपने साथ भी किया ऑब्वियसली, हम सब ने सर्दी एक्सपीरियंस की हुई है। सो ये है। अच्छा, तीसरी चीज ये देखें, हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस नीचे वाली लेयर है। ये ब्यूटी से इतनी रिलेटेड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर सारी आपकी मेन आर्टरी वेन्स और नर्व्स वगैरह होती हैं, तो इसको ब्यूटी के अंदर जो आपकी कॉस्मेटिक्स है उसके अंदर इसको हम नहीं छेड़ते, ये प्राइमरीली डिजीज वगैरह और बाकी चीजों के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। तो ब्यूटी के अंदर आपकी ये जो डर्मिस और एपिडर्मिस, ये दो लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर ये स्किन खत्म होती है तो नीचे आपका ये थोड़ा सा फैट वाला एरिया आ जाता है और उसके नीचे मसल आ जाता है। सो ये आपको एक जनरल सा मैंने एक बेसिक स्किन का सिस्टम बता दिया है। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, आपकी स्किन क्या क्या करती है, स्किन आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्किन एक बाहर से गिलाफ है जो कि आपके अंदर की चीजों को, आपके सेंसिटिव नर्व्स वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह ये आपको सेंसेशन, यानी अगर आपको मकड़ी चल रही है या कोई चीज स्किन पे चल रही है, कोई फीलिंग जो है वो इवन जैसे हम माएं अपने बच्चों को प्यार करती हैं, तो वो जो एक प्यार की सेंसेशन है वो भी स्किन के ऊपर जो आपको फीलिंग आती है उसकी वजह से होती है। इसके अलावा हीट रेगुलेशन है इसका एक पर्पज। हीट रेगुलेशन से मुराद ये कि जब हमें गर्मी ज्यादा लगती है तो हमारी बॉडी पसीना ज्यादा निकालती है, तो स्किन के थ्रू जो है, या जैसे जब सर्दी लगती है तो हम एकदम से सफेद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो सारा खून की जो सप्लाई है स्किन को जो जा रही होती है वो अंदर की तरफ खींच लेती है, जिससे हम हाथ नीले हो जाते हैं और हम जरा वाइट, मतलब बहुत ठंड होती है तो वो कहते हैं सफेद हो गए, और जब बहुत गर्मी होती है तो आप देखें स्किन रेड हो जाती है, फ्लश करने लग जाती है। तो स्किन जो है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है। इसी तरह एक्सक्रीशन का मतलब है कि जो बुरी चीजें स्किन बॉडी के अंदर है उनको निकालने में मदद करती है, जैसे हमारे पसीने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। और सिक्रीशन का मतलब ये कि जो हमारा सीबम है, जो ऑयल है, वो हमारी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, ठीक है। यानी स्किन अगर ड्राई होगी तो आपको पता है खारिश शुरू हो जाती है, स्किन फटने लग जाती है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है बुरी चीज निकालना, सिक्रीशन का मतलब है कोई कारामत चीज निकालना। और एब्जॉर्प्शन, ऑब्वियसली जितनी हम क्रीमें और जो भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं या बहुत सारी ऐसे आपकी दवाएं हैं जो पैच की फॉर्म में लगाई जाती हैं, स्पेशली जो पेन किलर्स होते हैं मॉर्फिन वगैरह, अक्सर हॉस्पिटल सेटअप में उसके पैचेस होते हैं, तो पेशेंट को अगर बहुत पेन हो तो वो पेन किलर्स और मुख्तलिफ चीजों के पैच लगा देते हैं, हॉर्मोन्स के पैचेस भी होते हैं वो स्किन पे लगा देते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होके और ब्लड में से बॉडी को सप्लाई होते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके बहुत सारे जो गलत फहमियां हैं वो क्लियर होंगी। स्किन टाइप और स्किन कंडीशन, ये दो चीजें होती हैं। अक्सर मैंने लोगों को सुना है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनके साथ मसला ये होता है कि वो कहती हैं कि हमारे मुंह पे दाने निकले लेकिन हमारी स्किन ड्राई है, ठीक है। ये अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि दाने निकले हैं लेकिन स्किन बहुत ड्राई रहती है। अब वो क्योंकि उनको पता नहीं है स्किन टाइप स्किन कंडीशन का फर्क, तो मसला ये होता है कि स्किन, जब आप ये समझ रहे हैं कि स्किन ड्राई रह रही है तो आप जो प्रोडक्ट मार्केट से उठाएंगे वो आप बेशक दाने निकले हैं लेकिन आप ड्राई स्किन की प्रोडक्ट उठा रहे होंगे, क्योंकि आप ये समझ रहे होंगे कि मुझे दाने निकले हैं लेकिन मेरी स्किन ड्राई है। और ड्राई प्रोडक्ट स्किन की जब आप प्रोडक्ट उठाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये तो लगेगा कि आपकी ड्राइनेस खत्म होगी है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके दाने बढ़ा रही हो, ठीक है। सो इस स्लाइड को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आपको बेसिक डिफरेंस समझ आए। स्किन टाइप वो होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है, ठीक है। ये आपकी जेनेटिक लेवल पे डिसाइड होती है और ये आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। जो स्किन टाइप है वो इनहेरिट होगी, इसको बदल नहीं सकते, इसको सिर्फ मैनेज किया जाता है, ठीक है। सो स्किन टाइप जो है वो हमारे पास मेनली 5 तरह की होती है, ऑयली, ड्राई,
कॉम्बिनेशन या नॉर्मल, एक्नी एंड सेंसिटिव, ये पांच स्किन टाइप्स हैं। ऑयली स्किन में क्या होता है कि तेल ज्यादा बनता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नाम से पता चल रहा है कि ऑयली स्किन में तेल ज्यादा बन रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनके स्किन पे तेल ज्यादा बन रहा है, नहीं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और उनसे सवाल मैं करती हूँ कि आपकी स्किन कैसी है, तो वो अक्सर मुझे गलत जवाब दे रही होती है, यानी जो मुझे नजर आ रहा होता है उसके ऑपोजिट वो मुझे कोई जवाब दे रही होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है कि जब आप सुबह उठती हैं तो आपके चेहरे पे कहाँ ऑयल होता है, ठीक है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो जब गर्मियों की बात हो रही है, सर्दियों में तो ऑलरेडी क्योंकि हमारा जरा टेम्परेचर डिफरेंट, जहाँ पर ठंड ज्यादा होती है वहां तो वैसे ही, क्योंकि सर्दियों में तेल की प्रोडक्शन स्किन कम करती है, तो ऑयली स्किन वाले जो गर्मियों में है वो कहेंगे कि हमारे पूरे चेहरे पर ऑयल होता है, ठीक है। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो सुबह उठ के देखेंगे अपने आप को तो वो कहेंगे शीशे में कि हमें कहीं पर तेल नहीं होता। जो कॉम्बिनेशन और नॉर्मल स्किन वाले हैं उनको, उनका ऑयल टी जोन में होता है, यानी उनके फोरहेड, नाक और चिन पे टी, टी की शेप जो अल्फाबेट टी होता है उस शेप में ऑयल होता है। यानी वो आपको, अगर मैं उनसे पूछूंगी कि आप सुबह उठती हैं आपके चेहरे पे कहाँ तेल होता है, तो वो मुझे कहेंगी कि मेरी नाक पे होता है। अगर फोरहेड और चिन पे नहीं भी फील होता तो कहेंगी नाक पे होता है। नाक, अगर सिर्फ नाक पे तेल है तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन है। अगर चीक्स वगैरह या चिन पे भी होता है तो तब आप कहेंगी कि ऑयली स्किन है। और अगर आपके सुबह उठ के फेस पे कहीं ऑयल नहीं होता तो इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी डिफरेंस ये होता है कि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनके चीक्स पे जो है ना वो ब्लैक हेड्स या ओपन पोर्स, या ओपन पोर्स एक गलत टर्म है, लार्ज पोर्स बेसिकली कहा जाता है, तो उसमें आपके ब्लैक हेड्स होंगे, या तो चीक्स की बात हो रही है, ऑयली स्किन वालों के चीक्स पे ब्लैक हेड्स होंगे या एनलार्ज पोर्स होंगे या एक्नी होगी, ठीक है। तो ऑयली वालों के साथ ये होगा। ड्राई वाले जो हैं उनकी चीक्स पे या उनके बाकी चेहरे पे कहीं पर भी आपको ब्लैकहेड्स नहीं मिलेंगे, कहीं पर भी आपको एक्नी नहीं मिलेगी और कहीं पर भी आपको एनलार्ज पोर्स नहीं मिलेंगे। जो कॉम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन है क्योंकि उसका टी जोन ऑयली होता है तो उसमें आपको सिर्फ नाक और चिन और फोरहेड, ये तीन जगहें हैं जहां पर आपको ब्लैकहेड, व्हाइट हेड, एक्नी या एनलार्ज पोर्स मिलेंगे, लेकिन चीक्स उनके क्लियर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक्नी और सेंसिटिव, अब आप ये देखेंगे कि मैंने स्किन टाइप के अंदर भी एक्नी सेंसिटिव लिखा हुआ है और स्किन कंडीशन के अंदर भी ब्रेकआउट एंड सेंसिटाइज लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या फर्क है। जो एक्नी स्किन टाइप होती है वो अगेन बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ से मुराद ये नहीं है कि पैदा होते साथ ही दाने निकल आएंगे, बाय बर्थ से मुराद ये होती है कि ये फैमिली में रन करती है, यानी अगर आपकी अम्मी को दाने थे और आपको दाने निकल रहे हैं तो आपकी एक्नी स्किन टाइप होगी, ठीक है। या अगर फुप्पो खाला जो ब्लड रिलेशन है, यानी आपके खालू को दाने हैं तो उससे अंटरनेलस के वो फैमिली कजन मैरिज टाइप कुछ है, अदरवाइज जो आपके ब्लड रिलेशन है ऊपर इवन नानी दादी में भी, क्योंकि कभी कभी ये चीजें जनरेशन एक गैप जंप कर जाती हैं, तो इसमें ये कि आपकी हो सकता है ना अम्मी को ना हो लेकिन नानी को रहे हो या खालाओं को हो, ठीक है। तो अगर किसी फैमिली में किसी को एक्नी है और आपको भी है तो बहुत चांस है कि ये एक्नी स्किन टाइप है, ये आपको जेनेटिक मिली है। और ट्रीटमेंट ऑल्दो के दोनों एक्नीज का सेम ही होगा, लेकिन जो एक्नी स्किन टाइप होती है उसमें हम पेशेंट से ये झूठ नहीं बोलते कि आप ये वाली दवा खा लें तो आपको जिंदगी भर एक्नी नहीं निकलेगी, या ये लगा लें तो जिंदगी भर आपकी एक्नी नहीं निकलेगी, क्योंकि सिंस इट्स इन द ब्लड, ब्लड से मुराद ये कि ऑब्वियसली जेनेटिक लेवल पे काम हो रहा है। तो उसमें ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम 40, लेकिन क्योंकि मेरी सिस्टर्स को है एक्नी और मेरी फुप्पो को थी एक्नी, तो मुझे 40 ईयर्स में भी एक दो दाने निकल आते हैं, तो आई डोंट फ्रीक अबाउट इट, मैं उसके बारे में परेशान नहीं होती, मुझे पता है कि ये मैं 60 साल की भी होंगी तो मुझे दाने निकलेंगे ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, और मैं फिर उसके ऊपर कोई क्रीम लगा के और 5-6 दिन हफ्ते के अंदर वो दाना सेट हो जाता है एंड देन सब नॉर्मल हो जाता है। तो एक्नी स्किन टाइप और कंडीशन में बेसिकली मैनेजमेंट सेम होगी, लेकिन डॉक्टर की काउंसलिंग में फर्क होता है। हम झूठ नहीं बोलेंगे पेशेंट को, हम उसको ये क्लियरली बताते हैं कि देखिए आपको ऑन एंड ऑफ निकलती रहेगी, आपने इसको मैनेज करना है। इसी तरह जो सेंसिटिव स्किन है वो एक बाय बर्थ होती है और एक होती है बाय कंडीशन, यानी जो एक्नी स्किन टाइप है वो उसकी प्रेजेंटेशन और कंडीशन की प्रेजेंटेशन सेम होगी, लेकिन स्किन टाइप जब सेंसिटिव स्किन टाइप होगी तो उसके अंदर पेशेंट हमें आके हिस्ट्री में ये कहता है कि मैं बचपन से ही मेरा मसला है, या मैं जब से छोटी सी हूँ जब से मसला है कि मैं कोई भी चीज लगाती हूँ
तो मुझे हर चीज इरिटेट करती है, मुझे जलन होती है। मैं मॉइस्चराइजर लगाऊं, मैं मुंह धोऊं, या मैं इवन रोज वाटर भी अगर स्प्रे करती हूँ तो मुझे जलन होती है, मुझे खारिश होती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट हिस्ट्री में ये कह रहा है कि मुझे हमेशा से ये मसला होता है, इसका मतलब ये कि उसकी सेंसिटिव स्किन टाइप है, ये बाय बर्थ है, जेनेटिक है। और इसमें स्पेशली जैसे जो माउंटेनियस एरियाज पे लोग रहते हैं, वहां पर क्योंकि जरा सन ज्यादा इंटेंस होता है, और दूसरी बात है कि ठंड होती है, तो पानी की कंजम्पशन कम होती है, पानी कम पीते हैं लोग, तो उसमें ये कि सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। ऐसे पेशेंट्स का अगेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर हम ट्रीटमेंट सेम देंगे, लेकिन उसको हम ये बताते हैं कि क्योंकि आपकी बाय बर्थ है और ये हमेशा रहेगी, तो आपको इसको मैनेज करना है, हम इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी साइड पे आ जाते हैं, स्किन कंडीशन। स्किन कंडीशन क्या चीज है? ये वो मसला है आपकी स्किन के ऊपर जो आपकी अपनी हरकतों से, यानी हरकतों से मुराद मेरी ये है कि अगर आप कोई उल्टी सीधी क्रीमें लगा रहे हैं, आपने वैक्स से मुंह जला लिया, आपने ब्लीच से मुंह जला लिया, या इंटरनली कोई आपके अंदर कोई कमी हो रही है, आयरन की कमी होना शुरू हो गई है, या आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो रही है, या हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस है जिसकी वजह से आपको एक मसला स्टार्ट हो गया है, उसको हम स्किन कंडीशन कहते हैं। और स्किन कंडीशन जो है वो ट्रीटेबल है, यानी ये टेम्पररी होती है, और इसको आप साथ के साथ अगर हेल्प करें तो ये ठीक हो जाती है। अच्छा, स्किन कंडीशन के अंदर क्या चीजें आ रही है? आपकी पिगमेंटेशन आ रही है। ठीक है, अच्छा, पिगमेंटेशन में अगर बर्थ मार्क होता है, जो पैदाइशी होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन आपकी जो छाइयाँ, जो आपकी डार्क सर्कल्स हैं, या जो दानों के निशान हैं, या अनइवन स्किन टोन है, ये सारी पिगमेंटेशन में आएगी। पिगमेंटेशन का मतलब है आपकी जो नॉर्मल स्किन टोन है उससे डार्कर टोन का धब्बा होना। ठीक है, सो पिगमेंटेशन जो है वो आपकी स्किन कंडीशन में आ जाती है। अक्सर लोगों को खून की कमी होती है तो उनको छाई पड़ जाती है, प्रेगनेंसी में लेडीज को पड़ जाती है। ठीक है, इसी तरह बच्चियां जिनको बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स होते हैं, उनको स्किन डल होना शुरू हो जाती है, उनको छोटे छोटे फ्रेकल्स या छाइयां, मेलास्मा जिसको कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट टर्म है वो डिहाइड्रेशन है, इसको जरा गौर से समझिएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है स्किन में पानी की कमी होना, और ड्राइनेस का मतलब है, यानी आप देखें मैंने ये साइड बाय साइड लिखे हैं, डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस। ड्राई का मतलब है स्किन में तेल की कमी है, और डिहाइड्रेशन का मतलब है स्किन में पानी की कमी है, यानी स्किन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है तेल, एक होता है पानी। ठीक है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, हमेशा याद रखें कि ऑयली है तो वो ड्राई नहीं हो सकती साथ, क्योंकि इनमें से एक होगी, या ये सारी इकट्ठी, मतलब दो इकट्ठी नहीं हो सकती, यहाँ वाले इस वाले सेक्शन से एक होगा कोई, और उसके साथ ये कंडीशन बेशक पांच की पांच इकट्ठी होंगे, लेकिन जो स्किन टाइप है वो इनमें से एक ही होगी। ठीक है, सो अब क्या होता है, सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी जो है ना, वो ऑयली स्किन वालों में होती है और एक्नी स्किन वालों में होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ऑयली और एक्नी स्किन वाले जो हैं वो अक्सर, एक तो जनरली खैर पानी हम पीते सारे कम ही है, लेकिन ऑयली और एक्नी स्किन वाले अपना ऑयल कंट्रोल और एक्नी कंट्रोल के लिए अक्सर बहुत स्ट्रांग एब्रेसिव किस्म की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑयल तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन साथ में उनकी स्किन का पानी उड़ना शुरू हो, यानी दो चीज है ना, तेल और पानी, उनकी स्किन का पानी उड़ना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उनको चिपचिप से शाइन से वैसी इरिटेशन होती है, तो वो मॉइस्चराइजर लगाना भी अवॉइड करते हैं। सो सिंपली होता ये है कि जब आप तेल कंट्रोल करने के चक्कर में स्किन का पानी उड़ा रहे हैं, और फिर आप मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा रहे क्योंकि आपको चिपचिप पसंद नहीं है, तो स्किन ऑटोमेटिकली उसमें पानी की कमी होने लग जाती है। और स्किन में पानी की कमी होने से ऑटोमेटिकली आपके फर्दर मसले क्या होते हैं, कि जैसे आप सोचें टमाटर होता है, टमाटर का पानी जब उड़ता है तो क्या होता है, एक तो वो डल लगने लग जाता है, थोड़ा चुरमुर होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं, और साथ में ऑटोमेटिकली आप ये देखते हैं कि टमाटर को आप बाहर रख के छोड़ते हैं तो वो सेंसिटिव हो जाता है, यानी आप उसको जरा सा उंगली मारेंगे तो वो पिचक जाता है, लाइक पॉप कर जाएगा। सो डिहाइड्रेशन जो है वो फर्दर आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसमें बच्चियां या यंग खवातीन या इवन एजड खवातीन कंप्लेन करती हैं कि हमारी स्किन डल होने लग गई है क्योंकि पानी स्किन का उड़ा है। उसमें आपको देखने में ऐसे करीब से देखेंगे तो ऐसा लगता है चेहरे पे डेंड्रफ सी है, बारीक बारीक बारीक, और मेकअप सेट नहीं हो रहा होता, स्मूथ फिनिश नहीं आ रही होती, और प्लस ये कि फाइन लाइंस, प्रीमेच्योर एजिंग जिसको हम कहते हैं, फाइन लाइन आना शुरू हो जाती है और स्किन सेंसिटिविटी की तरफ चली जाती है। तो डिहाइड्रेशन जो है वो एक बड़ा टेक्निकल सी चीज हो जाती है, जिसके लिए हम अक्सर पेशेंट्स को कहते हैं कि पानी ज्यादा पिए, और फिर आगे जो प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी वो फिर डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री है एजिंग।
एजिंग का मतलब है, एजिंग का मतलब एजिंग ऑब्वियसली बुढ़ापा आने लग गया है, वो अल्टीमेटली तो आएगा, देखिए आप बुढ़ापे से जान नहीं छुड़ा सकते, लेकिन एजिंग जो है उसमें फाइन लाइंस और डीप लाइंस, दो तरह की एजिंग होती है, और फिर डीप लाइंस से आगे सैगिंग एक चीज होती है, यानी पहले बारीक लाइनें पड़ती हैं चेहरे पे, बारीक बारीक, अगर आप उस वक्त थोड़ा सा ध्यान करना शुरू कर दें, मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें, तो थोड़ा आनी फिर भी है डीप लाइन, लेकिन थोड़ा डिले हो जाएगी, ठीक है। और डीप लाइन्स के बाद आपकी जो डीप लाइन्स और जो सैगिंग है, सैगिंग का मतलब ये कि जो लटकने लग जाता है, चेहरा नीचे की तरफ आने लग जाता है, ठीक है, उसको सैगिंग कहते हैं। तो पहले बारीक लाइनें पड़ती हैं, फिर वही लाइनें अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो डीप लाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर साथ साथ चेहरा लटकने लगता है, इसको हम एजिंग कहते हैं। ब्रेकआउट्स और सेंसिटाइज, ये अगेन वही चीज है कि ब्रेकआउट्स वो हैं जो अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है, देखिए कोई बच्ची है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, अब उसका हार्मोनल इम्बेलेंस है, अगर आप उसका हार्मोनल इम्बेलेंस ठीक कर देंगे तो उसके दाने ठीक हो जाएंगे, तो ये ट्रीटमेंट इसका भी वो एक्नी वाला ही होगा, बाय बर्थ वाली वाली है, सॉरी जो स्किन टाइप वाली एक्नी है, लेकिन ब्रेकआउट के अंदर हम उसको तसल्ली दे देंगे कि आपका ये हार्मोनल इम्बेलेंस है, या आपने किसी फ्रेंड से मांग के जो मेकअप इस्तेमाल किया है, या किसी दाने वाले खातून की तौलिया इस्तेमाल कर ली है, या मेकअप ब्रश इस्तेमाल कर ली है, तो उस केस में फिर हम उसको बता देते हैं कि ये क्योंकि आपकी फैमिली में नहीं है, इट्स नॉट जेनेटिकली प्रेजेंट ओवर देयर, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेकआउट जो है वो कंट्रोल हो जाएगा वंस हम आपका जो बेसिक इंटरनल मसला है उसको रिजॉल्व कर देंगे, तो आपको आगे 10-20 साल एक्नी निकलना बंद हो जाएगी। सेंसिटाइज भी इसी तरह, सेंसिटाइज वो खवतीन है जो हिस्ट्री में ये बताती हैं कि मैंने वैक्स कराई थी, या अब आपको कोई स्पेसिफिक इवेंट बताएंगी कि मैंने ये वाली क्रीम लगाई थी या ये हुआ था, या मैं छुट्टियों में नॉर्दर्न एरियाज गई थी तो उसके बाद से मेरी स्किन ऐसी हो गई, दैट मीन्स के ये कोई स्पेसिफिक इवेंट हुआ है जिसके बाद स्किन टेम्परेरीली सेंसिटिव हो गई है, जिसको हम सेंसिटाइज कह रहे हैं, और अगर हम इसको इस टाइम पर ट्रीट कर देंगे तो आगे जाके ये कंटिन्यू नहीं करेगी ये मसला, और ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्किन टाइप और कंडीशन का डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोर स्किन केयर स्टेप्स क्या होते हैं, यानी बेसिक स्किन केयर स्टेप्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि आपको अगर डेली बेसिस पे अपनी स्किन के लिए कुछ करना है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा मसले ना हो, उनको हम कोर स्किन केयर स्टेप्स कहते हैं, या डेली स्किन केयर रिजीम कहते हैं, जो कि आप रोज करेंगे बिला नागा, ठीक है। यानी ये नहीं करना कि हफ्ते में 3 दिन करके, वंस इन अ ब्लू मून आप ऐसा कर सकते हैं, कभी कभी बहुत थके होता है बंदा तो आप घर आए रात को, नहीं मेकअप उतार सके, नहीं कर सके कुछ, दैट्स फाइन, लेकिन ये नहीं करना, क्योंकि ऐसा भी मसला होता है कि पेशेंट शुरू में बड़े ईगर होते हैं सीखने के लिए, और फिर वो 1 हफ्ता करके और 10 दिन करके फिर वो कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हम छोड़ देते हैं, तो ये वाला चक्कर नहीं करना। आपने यूजुअली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी स्किन केयर ट्रीटमेंट को एटलीस्ट 3 मंथ्स आपने देने होते हैं, क्योंकि 15 से 20 दिन बाद वो थोड़ा बहुत अपना असर दिखाना शुरू करती है, और यूजुअली 3 स्किन साइकिल्स, यानी एक स्किन साइकिल तकरीबन 28 दिन का होता है, 3 स्किन साइकिल्स आपने उस प्रोडक्ट को देने होते हैं जिसके ऊपर वो आपको प्रॉपर रिजल्ट्स दिखाएगी, या आपको फीलिंग आएगी कि हाँ मेरी स्किन इसको रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही। सो 5 स्टेप्स हैं जो कि नॉर्मली अगर आप करें तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अगले स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं इसमें से 4 जो है वो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ, एक वाला जो है वो मैं खुद भी उसमें थोड़ी डंडी मार लेती हूँ, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है वो डबल क्लिंजिंग है, इसको हम आगे पढ़ते हैं कि क्या चीजें हैं। स्टेप 2 एक्सफोलिएशन है, टोनर है स्टेप 3 में, नंबर 4 मॉइस्चराइजर है, और नंबर 5 सनब्लॉक या सनस्क्रीन है, ठीक है। सो इसको हम इंडिविजुअली देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। डबल क्लिंजिंग क्या चीज है, डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि आप अपनी स्किन को 2 दफा क्लेंज करें, और 2 दफा क्लेंजिंग में जो पहला क्लेंजर है वो आपका ऑयल बेस होता है, और जो सेकंड क्लेंजर है वो वाटर बेस होता है, ठीक है। उसकी रीजन क्या होती है, उसकी रीजन ये होती है कि जो ऑयल बेस क्लेंजर है जिसको आम अल्फाज में मेकअप रिमूवर कहते हैं, ठीक है, ऑयल बेस क्लेंजर जो है उसको मेकअप रिमूवर आम अल्फाज में कहते हैं, वो क्या करता है कि जब हम जैसे घर आए, लेट्स सपोज रात को आपने मेकअप नहीं भी किया हुआ, लेकिन आप शॉपिंग गई थी, या आपको वर्किंग लेडी है, आप बाहर से घूम के आई हैं, तो जब हम बाहर से होके आते हैं तो हमारी स्किन पे जो ऑयल निकलता है या पसीना आता है, वो बाहर की मिट्टी और डर्ट जो पोल्यूशन है इन सारी चीजों के साथ, और लेट्स सपोज कि हमने थोड़ा सा सनब्लॉक लगाया हुआ था, या थोड़ा मेकअप किया हुआ था, या इवन फेस पाउडर लगाया हुआ था, या फेस पाउडर भी नहीं, आपने बेबी पाउडर ही लगाया हुआ था, कुछ लगा के आप घर से बाहर गई थी,
और अगर आप नकाब करती हैं तो हो सकता है कि वो जो नकाब के साथ डर्ट थी या मास्क के साथ जो डर्ट था वो भी सारा चेहरे के ऊपर ट्रांसफर हो गया, आपकी अपनी जो छींक आ रही थी या बाकी सारी चीजें थी वो ऑब्वियसली मास्क के अंदर थी, वो सारा बैक्टीरिया भी आपके फेस पे वापस ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो तेल वाली लेयर है जो एक ऑयल की ना कीचड़ सा जैसे बन जाता है फेस पे, ये हमेशा देखिएगा कि तेल पानी से साफ नहीं होता, तेल को तेल काटता है, ठीक है। यानी अगर आप कोई एग्जॉस्ट फैन जो है वो पानी और सर्फ से साफ करने की कोशिश करें तो वो कभी भी उस तरह साफ नहीं होगा, इसलिए एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं उनको मिट्टी के तेल से साफ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑयल बेस्ड चीज है वो ऑयल बेस्ड चीज से ही कटेगी। अब जो ऑयल बेस्ड क्लेंजर होता है या जो मेकअप रिमूवर होते हैं इनके अंदर स्पेशल एक फॉर्मुलेशन होती है कि ये जब आप अपने फेस पे यूज करते हैं तो ये आपकी वो जो तेल के साथ खिचड़ी पकी हुई लेयर है उसको पूरा साफ कर देती है। तो ये आपका स्टेप वन होता है। और स्टेप टू में फिर आप अपना वाटर बेस्ड क्लेंजर जो कि पानी से उतरने वाला होता है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो ये आपकी डबल उसमें शिफ्ट होती है, ये डबल क्लेंजिंग कहलाती है, इसलिए क्योंकि स्टेप वन में आप ये देखें मेकअप और SPF या जो भी आपने लगाया हुआ है तो इसमें क्लेंजिंग ऑयल्स आते हैं और क्लेंजिंग बाम आते हैं, या आसान अल्फाज में मेकअप रिमूवर, ठीक है। और नंबर टू स्टेप में आप जो है ना वो अपने जो भी आपका फेस वॉश है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा कि क्लेंजर और फेस वॉश में कोई फर्क नहीं होता, असल जो चीज है वो आपका अगर ऑयल बेस्ड क्लेंजर है या आपका मेकअप रिमूवर है उसमें और वाटर बेस्ड क्लेंजर में। यानी बहुत सारे लोगों जिनको मैं जानती हूँ जिनको नहीं पता होता वो क्लेंजिंग मिल्क ले आते हैं और शदीद ऑयली स्किन होती है और वो उसके ऊपर क्लेंजिंग मिल्क से मेकअप उतार रहे होते हैं। तो याद रखिएगा क्लेंजिंग मिल्क जनरली वाटर बेस्ड होता है, उससे मेकअप नहीं उतरेगा। और क्लेंजिंग मिल्क जो है वो आपका उसकी उसकी फॉर्मुलेशन इस तरह होती है कि वो ऑयली एक्नी स्किन वालों को सूट नहीं करता, वो कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन वालों को सूट करता है। तो आइडियली अगर आप आंखें बंद करके कोई एक प्रोडक्ट उठाना चाहते हैं डबल क्लेंजिंग के लिए तो आप मार्केट में से सिंपली मेकअप रिमूवर, किसी अच्छे ब्रांड का मेकअप रिमूवर खरीद लें, क्योंकि मेकअप रिमूवर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो जो तेल वाली लेयर है आपकी, चाहे वो मेकअप से बनी है चाहे वो मिट्टी और पसीने से मिलकर बनी है, वो उसको रिमूव कर देगा। तो मुख्तलिफ मार्केट में ब्रांड है XYZ, आप अपनी बजट के हिसाब से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन एक डबल क्लेंजिंग में बेसिकली आप पहला मेकअप रिमूवर यूज करेंगे और सेकेंड स्टेप में आप अपना फेस वॉश यूज करेंगे। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ क्लेंजर्स जो है वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लेंजर्स में मेकअप रिमूवर्स या ऑयल बेस्ड क्लेंजर है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये ऑयली टॉप लेयर जो है उसको डाइल्यूट डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जब आप उसमें पानी मिलाते हैं तो इनके अंदर बेसिकली ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है। जब आप इसको ड्राई हैंड्स और ड्राई फेस पे इस्तेमाल करते हैं, यानी भी आपने पानी को हाथ नहीं लगाया, आपने सूखे हाथों पे सूखे फेस, जैसे आप मुंह उठा के बाथरूम के अंदर गए हैं, आपने अभी कोई नल नहीं खोला, आपने टैप नहीं खोला, आपका सारा हाथ वाथ ड्राई है, आपने उसके ऊपर इस्तेमाल किया और आपने उसके साथ अच्छे से अपना इमल्सिफाई किया सारा मेकअप, और उसके बाद जब आपने उसको उतारना है तो फिर आपने उसमें पानी मिक्स किया। जैसे ही आप उसमें पानी मिक्स करते हैं इमिजिएटली आपका जो ऑयल ऑयली सा टेक्सचर था वो दूध की तरह मिल्की हो जाता है, वाटर सोलेबल हो जाता है। तो इसकी ड्यूअल प्रॉपर्टीज होती है ये मेकअप रिमूवर की। कुछ मेकअप रिमूवर आप इस तरह नहीं यूज करते बल्कि डायरेक्ट आप कॉटन स्वाब पे निकालते हैं उसको और उसी से साफ करते हैं, वो भी दे आर फाइन एज वेल, ठीक है। वाइप्स के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहेगा क्योंकि वाइप्स जो है वो ज्यादातर जो सस्ते ब्रांड फेस वाइप्स मेकअप रिमूवर रिमूविंग के लिए बनाते हैं उसमें अल्कोहल बेस्ड होते हैं, तो अल्कोहल जो है वो स्किन को बहुत ज्यादा रिप ऑफ कर देती है उसके वाटर कंटेंट से, यानी स्किन को डिहाइड्रेट करती है, ठीक है। सो आपने अल्कोहल बेस्ड फेस वाइप्स नहीं लेनी, अगर फेस वाइप्स लें भी तो फिर किसी बहुत अच्छे ब्रांड की लें, मेकअप रिमूवर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वाटर बेस्ड क्लेंजर्स में आप अगर सिंपल, मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊं देखने का, तो जो जेल क्लेंजर होते हैं जो जेल की फॉर्म में होते हैं वो ऑयली और एक्नी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। जो जेल टू फॉर्म होते हैं यानी बोतल के अंदर जेल भरा है लेकिन जब आप उसको पंप करके निकालते हैं तो निकलता आपके हाथ में फोम है, वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छे होते हैं। इसी तरह हाइड्रेटिंग क्लेंजर होते हैं जो कि होते क्रीमी है लेकिन थोड़े रनिंग क्रीमी होते हैं, यानी थोड़े लोशन जैसे होते हैं, क्रीम फॉर्म थिक नहीं होते, रनी होते हैं, आप हाथ पर डालें तो बहते हैं, ठीक है, वो डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए अच्छे होते हैं। और क्रीमी और थिक क्लेंजर्स जो होते हैं ये ड्राई और एजिंग स्किन और कभी कभी सेंसिटिव स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन में आपको हाइड्रेटिंग भी मिल जाते हैं और जो थिक क्लेंजर्स हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन टेक्सचर से आप बहुत जल्दी अब पता कर सकते हैं कि ये किस किस्म का क्लेंजर है। इसी तरह क्लेंजिंग टाइमिंग जो है वो बेस्ट आपकी सुबह शाम है, सुबह मुंह धोना जरूर है और रात को सोने से पहले भी आपने जरूर अपना फेस साफ करके सोना है।
सेंसिटिव और एक्नी स्किन के अंदर ये ख्याल रखिएगा कि बहुत ज्यादा रगड़े नहीं, बहुत ज्यादा पार्लर वाली क्लिंजिंग, सैलॉन वाली क्लिंजिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप एक्नी और सेंसिटिव स्किन को, जिनको दाने निकले हैं और जिनकी स्किन सेंसिटिव, उसको बहुत ज्यादा रगड़ेंगे तो एक्नी फट सकती है और उसका जो अंदर गंध है, जो बैक्टीरिया है, वो फैलेगा पूरे मुंह पे और दाने निकलेंगे। और सेंसिटिव स्किन जो है उसका मसला ये होता है कि उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो क्लिंजिंग टाइमिंग जो है वो आप दिन में 2 दफा जरूर मुंह धोएं। ऑयली एक्नी स्किन वाले दिन में 3 दफा भी अपनी फेस वॉश कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको तेल बहुत ज्यादा आता है, बट यूजुअली 2 दफा तो मस्ट करें, सुबह और रात में। अच्छा जी, एक्सफोलिएशन पे आते हैं। एक्सफोलिएशन का मतलब है अपनी डेड स्किन, जो चेहरे के ऊपर, हमें पता है कि हमारी स्किन का एक साइकिल है, हर 28 दिन के बाद अंदर से, जो हमने एपिडर्मिस पढ़ी थी उसमें ये होता है कि आपकी जो नई स्किन है वो ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर वाली डेड स्किन है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कमरे की बेडशीट है, वो आप हर 28 दिन के बाद चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको, आप अपना कमरा साफ साफ दिखना चाहते हैं। 28 दिन तो खैर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कि इसमें होता ये कि जब आप टीनेजर होते हैं 19 साल की एज तक, तब आपकी जो कमरे की बेडशीट है, यानी जो आपकी स्किन है, वो हर 14 दिन के बाद तकरीबन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब ये टीनेज में आपको दाने निकलते हैं तो उसके निशान बहुत जल्दी चले जाते हैं और स्किन फ्रेश लगती है और जवान लगती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती जाती है तो ये आपकी जो स्किन, ये बेडशीट चेंज होने वाला जो अमल है, ये थोड़ा देर में डिले होता जाता है। तो आप समझेंगे कमरे की बेडशीट है जो हर 14 दिन पे आप 2 हफ्ते में बदलते हैं, तो वो बेडशीट भी साफ सुथरी रहेगी और कमरा भी साफ सुथरा लगेगा, लेकिन बाय द टाइम आप 40 साल की उम्र पे पहुंचते हैं, तकरीबन 35-40 की जो उम्र आप क्रॉस करते हैं, तो आपकी ये जो बेडशीट है ये 90 दिन यानी 3 महीने के बाद चेंज होती है। तो अब आप सोचें वो बेचारी जो 3 महीने तक एक बेडशीट बिछी रहेगी, तो वो फिर चुरमुर भी होगी, वो डल भी हो जाएगी, उस पर धब्बे भी पड़ जाएंगे। सो स्किन के साथ भी यही होता है कि स्किन जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो नीचे से जो बेबी स्किन है, जो फ्रेश स्किन है, वो देर में ऊपर आती है। अब इस मसले का हल निकालने के लिए एक्सफोलिएशन एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि हम ऊपर से डेड लेयर को मैन्युअली खुद ही से हटा दें, ताकि अंदर से जो फ्रेश स्किन है उसको रास्ता भी मिल जाएगा, और जो स्किन है उसको अंदर मैसेज मिलता है कि ऊपर से एक लेयर कम हो गई है, तो थोड़ा जल्दी नीचे से नई लेयर भेजो। ठीक है, सो एक्सफोलिएशन जो है वो आपकी ऊपर से डेड लेयर को हटाती है। अब ये 2 तरह की होती है। ठीक है, एक होती है मैकेनिकल, बेशक नाम याद ना रखें, सिर्फ समझ लें कि क्या होती है। एक होती है मैकेनिकल और एक होती है केमिकल। अच्छा, थोड़ा सा मैं जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो या कुछ चीज मिस हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप वाले मैसेज ग्रुप में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैकेनिकल और केमिकल 2 तरह की एक्सफोलिएशन होती है। मैकेनिकल वो है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, जिसमें हम स्क्रब जो यूज करते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स के, बचपन से हमने देखा है हमारी अम्माओं के पास भी कुछ ना कुछ होता था, कुछ भी ना होता था तो वो जो है वो बादाम के आटे से ही कुछ स्क्रबिंग कर लेती थी। तो स्क्रब जो होता है वो दानेदार जो एक्सफोलिएशन होती है उसको हम स्क्रब या मैकेनिकल एक्सफोलिएशन कहते हैं, या जैसे हम लोफा यूज करते हैं नहाने के लिए, या एक जो आपका सैंड स्टोन होता है झामा जो हम पाँव रगड़ने के लिए यूज करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी स्किन को रगड़ के, यानी अपने वजूद की वजह से आपको फिजिकली वो आपके हाथों में फील हो रही हो, उससे जब आप रगड़ते हैं तो जो मैल हटती है या जो डेड स्किन हटती है उसको हम फिजिकल एक्सफोलिएशन करते हैं कहते हैं। ठीक है, ये बड़ी जल्दी होती है, हमने देखा, हमने जामे से पाँव धोए तो इमिडिएटली पाँव गोरे गोरे निकल आते हैं, अंदर से साफ हो जाते हैं। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि आप दिन में कितनी दफा करेंगे, हफ्ते में कितनी दफा स्क्रब करेंगे, ये डिपेंड करता है स्क्रब की टाइप पे और आपकी स्किन पे टाइप पे। ठीक है, इसी तरह जो मैकेनिकल स्क्रब है उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो केमिकल स्क्रब या पील्स होती है। ठीक है, अब जो मैकेनिकल स्क्रब है वो आपको हाथों में जब आप निकालेंगे तो आपको उसके दाने फील होंगे, लेकिन जो केमिकल पील या केमिकल एक्सफोलिएशन होती है वो बिल्कुल आपको लोशन की तरह या क्रीम की तरह फील होगी, उसको आपको आपको कोई ग्रेन्स नहीं फील होंगे उसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर सर्टन केमिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के एसिड्स डले होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सी एसिड्स कहते हैं जिसको, AHA, BHA कहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सीन, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, या डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर फ्रूट एंजाइम्स, पम्पकिन, पपाया, पाइनएप्पल, मुख्तलिफ फ्रूट्स के ऐसे केमिकल एंजाइम्स डले होते हैं जो आप सिर्फ चेहरे पर लगा के छोड़ देते हैं 5 से 8 मिनट, 2 से 3 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कितनी स्ट्रेंथ है, और वो खुद ब खुद चेहरे पर लगे लगे, जैसे आप बकरा ईद पे गोश्त गलाने के लिए पपीता लगाते हैं तो गोश्त खुद ही गल जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिमिलरली आप सोचें कि
हम ये हल्की स्ट्रेंथ का पपीता टाइप कोई चीज मुंह पे लगाते हैं ताकि आपकी जो डेड स्किन है वो खुद ही गल जाए। आपने सिर्फ लगाई, लगा के छोड़ी, कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं है, और वो खुद ब खुद उसको डाइजेस्ट कर देगी और आप जब मुंह धोएंगे तो वो डेड स्किन हट जाएगी। प्लस ये कि अंदर से बेबी स्किन को भी ये रिजुविनेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है, फ्रेश स्किन को ऊपर लेके आता है। सो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट इसमें एसिड डला हुआ है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से इसको हफ्ते में, अगर होम केयर वाला आप यूज कर रहे हैं रिटेल का तो वो हफ्ते में एक से दो दफा इस्तेमाल होता है, और अगर आप प्रोफेशनल सैलून पर जाके करा रहे हैं तो वो 15 दिन से लेकर महीने में एक दफा इस्तेमाल होने की उसकी स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, अब किसको एक्सफोलिएशन नहीं करनी, सनबर्न हुआ हुआ अगर रिसेंट कहीं पर, टैनिंग आप बीच पे गए हैं उसके बाद काले होके आ गए तो आपने एक्सफोलिएशन, स्क्रबिंग और केमिकल एक्सफोलिएशन दोनों नहीं करनी। अगर कोई बीमारी है, एक्जिमा वगैरह, सोराइसिस है, स्किन की कोई बीमारी है तब नहीं करनी। सेंसिटिव स्किन है बहुत ज्यादा तो सेंसिटिव स्किन की एक्सफोलिएशन आती ही अलग है, वो आपको उस पर मस्ट लिखा होना चाहिए, वरना आप नॉर्मल एक्सफोलिएशन नहीं लगा सकते। अगर दाने निकले हुए तो स्क्रब नहीं करें, क्योंकि स्क्रब में दाने ग्रेन्स होते हैं, वो अगर आप अपने मुंह पे रगड़ेंगे तो आपके दाने पॉप हो जाएंगे। तो जो एक्नी स्किन है उसके ऊपर केमिकल एक्सफोलिएशन यूज की जाती है, उस पर स्क्रब नहीं यूज कर सकते आप। इसके अलावा ओवर डूइंग एक्सफोलिएशन, रोज अगर एक कोई आप जैसे ट्रिमिंग है, अब बालों की ट्रिमिंग आप महीने में एक दफा करते हैं ना, अगर आप रोज बालों की ट्रिमिंग शुरू कर देंगे तो आप गंजे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर ओवर डूइंग एक्सफोलिएशन का मतलब है कि रोज एक्सफोलिएट कर रहे हैं और वो चीज आपको हफ्ते में एक दफा इस्तेमाल करनी थी तो आप उल्टा स्किन उड़ा लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कट्स हैं, कोई रगड़ है, कोई एलर्जी है किसी एसिड से, तब भी आप ये चीजें नहीं यूज करेंगे। स्किन अगर पतली है, नीचे से खून की नालियां नजर आ रही हैं आपको, तब भी नहीं यूज करेंगे। इसी तरह इमिजिएटली शेव करने के, वैक्स करने और ब्लीच करने के बाद आप स्क्रब या केमिकल एक्सफोलिएशन नहीं यूज करेंगे। प्रेगनेंसी में आप, मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी ये बात हुई थी कि प्रेगनेंसी में केमिकल अवॉइड करेंगे एसिड्स वाले, आप फिजिकल एक्सफोलिएशन स्क्रब यूज कर सकते हैं लेकिन केमिकल वाली चीज नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर की एक्नी की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी कोई दवा खा रही है या लगा रही है पेशेंट, तो वो घर पे नीम अकीमी नहीं करेंगे और वो कोई घर पे अपनी होम एक्सफोलिएशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रेडिकेशन है आपकी एक्सफोलिएशन की। टोनर, हम सबको पता है टोनर एक स्प्रे फॉर्म में चीज मिलती है या वो आप कॉटन पैड पे भी लगा के इस्तेमाल करते हैं। टोनर बेसिकली जो है वो आपका, आप किसी भी स्टेप पे यूज कर सकते हैं टोनर, लेकिन ये कि ये यूजली आपकी जो आपने स्किन में से गंद बाहर निकालते हैं और उसके बाद स्किन के अंदर प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट कराते हैं, उसके बीच में इस्तेमाल होता है। यानी क्लिनजिंग और एक्सफोलिएशन में आपने कूड़ा और गंद स्किन से बाहर निकाला, और आपकी जो इसके बाद के स्टेप्स हैं उसमें हम मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक वगैरह डालते हैं, तो हम स्किन के अंदर, यानी आप समझे कैरी है, उसके अंदर से पहले आप पत्ते और कूड़ा और पत्थर बाहर निकालेंगे, फिर उसको हल्का सा पानी लगाएंगे, और पानी लगा के उसके बाद आप उसके अंदर अपने सीड्स वगैरह डालेंगे। तो इस तरह ये आप जो अपने मुंह की कैरी के ऊपर वेजिटेशन करने, ग्लो लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें टोनर वो पानी है बेसिकली जो मुंह की मिट्टी को गीला करता है ताकि उसके बाद जो भी चीजें लगें वो अच्छे से अपना रिजल्ट दें और अपना काम अच्छे से करें, ठीक है। सो टोनर जो है वो इन एंड आउट का जो आपका प्रोसेस है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप किसी वक्त किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। फंक्शन क्या है टोनर के, एक तो ये मैंने आपको बताया कि चेहरे का पानी है, हाइड्रेट करता है स्किन को, पानी का लेवल सही करता है। पीएच बैलेंस एक चीज होती है स्किन की, साइंस जिन्होंने पढ़ी उनको पता है पीएच क्या होती है, पीएच स्किन की एसिडिक होती है, ठीक है। तो ये आपकी पीएच को बैलेंस करता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि टोनर वो पानी है जो मुंह की मिट्टी को गीला करता है ताकि उसके बाद जो प्रोडक्ट लगे वो थोड़ी क्वांटिटी में खर्च हो और ज्यादा अंदर पेनिट्रेट करे, ठीक है। सो टोनर लगाने के बाद आप जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और प्लस वो क्वांटिटी में थोड़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होगी आपको। इसके अलावा टोनर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर प्योरिफाइंग टोनर है तो वो ऑयल कंट्रोल करेगा, अगर व्हाइटनिंग टोनर है ब्राइटनिंग तो वो गोरा करेगा, उसमें विटामिन सी भी डला होगा। टोनर पोर्स के ऊपर कोई काम नहीं करता, एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि टोनर पोर्स श्रिंक करता है, टोनर का पोर्स श्रिंकिंग के साथ कोई काम नहीं, ठीक है। मॉइस्चराइजर्स आपके क्या चीजें हैं, ये प्रोडक्ट है जिसके अंदर या तो तेल होगा या पानी होगा या दोनों चीजें होंगी,
ठीक है, यानी मॉइस्चराइजर जो है वो ऑब्वियसली हमें बड़ा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि क्रीम लगा लो, क्रीम लगा लो, एक जनरल टर्म है क्रीम, जिसके जिसका मतलब है मॉइस्चराइजर लगा लो। मॉइस्चराइजर जो है वो डे क्रीम और नाइट क्रीम, इस ग्रुप में भी उसको डिवाइड किया गया है, और पानी और तेल की बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। अगर आप जो एंटी एजिंग और वाइटनिंग वाली रेंज में जाएंगे तो उसमें नाइट क्रीम और डे क्रीम का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। और अगर आप नॉर्मल बगैर किसी फंक्शन वाले, जैसे छोटे बच्चों के लिए चीजें ले रहे होते हैं, तो फिर वो वाटर बेस, ऑयल बेस और इस तरह इस चीजों पर डिवाइड किया जाता है। वाटर बेस क्या होते हैं कि, और वाटर बेस जो है ना, ये वो मॉइस्चराइजर है जो कि पानी, इसके अंदर पानी होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये लाइट वेट होगा, चिपचिप नहीं करेगा, और इसकी जो फिनिश है वो बड़ी फेदर फिनिश होगी। फेदर फिनिश से मुराद है कि ये बिल्कुल आप समझें कि लगाने में बिल्कुल लाइट वेट होगा। ये मॉइस्चराइजर ऑयली एक्नी स्किन के लिए बेस्ट है। ये आपको ड्राई स्किन वालों को ज्यादा पसंद नहीं आएगा क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है इसका, ये आपको हैवी फिनिश नहीं देगा, ठीक है। वाटर बेस्ड अब मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसके ऊपर पढ़ेंगे तो वो हाइड्रा या इस किस्म के वर्ड्स यूज हुए होते हैं और उस पर लिखा होता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। इसी तरह ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर वो मॉइस्चराइजर है जो 100% ऑयल बेस्ड होते हैं, उसके अंदर कोकोशिया बटर, हैवी विटामिन ई और इस किस्म के इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं, और ये ड्राई और एजिंग स्किन के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अभी सर्दियां आए तो मेजोरिटी लोग बॉडी के लिए जो मुख्तलिफ शिया बटर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी को बॉडी पे एक्नी है तो वो शिया बटर वगैरह ना यूज करे। उसकी रीजन ये है कि वो ऑयल बेस्ड, सारे बटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हैं, तो उस केस में एक्नी बढ़ने का चांस होता है, ठीक है। 50-50 का मतलब ये कि ये वो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, ये हम सिंपल मॉइस्चराइजर्स की बात करें, ये टारगेटेड मॉइस्चराइजर नहीं है, मतलब ये कि ये आपकी वो वाइटनिंग डे क्रीम, वाइटनिंग नाइट क्रीम वाले नहीं है, ये वो हैं जो आपको रैंडमली रैक पे मिल जाते हैं और ये आप बच्चे बड़े पूरा खानदान यूज कर रहे होते हैं, ये हम उन मॉइस्चराइजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। 50-50 का मतलब ये कि उसमें 50% वाटर होगा, 50% ऑयल होगा, और ये जो है वो हर कोई यूज कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम स्लाइड, डे क्रीम वर्सेस नाइट क्रीम, फर्क क्या है, ठीक है। अभी आपको व्हाइटनिंग डे क्रीम, नाइट क्रीम भी मार्केट में मिलती हैं, आपको एजिंग वाली भी मिलती हैं, आपको बहुत सारे एक्स वाई जेड एक्नी की भी मिल जाएंगी, ठीक है। डे क्रीम क्या होती है कि डे क्रीम आपको दिन में लगाने की क्रीम है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आप घर से बाहर लगा के जा सकते हैं, आपको पोल्यूशन और एनवायरमेंटल जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, और इसमें SPF जरूर होता है, यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ना वो जरूर होता है, क्योंकि ये आपका सनब्लॉक भी होता है, लाइक 2 in 1 या 3 in 1 होता है। इसके अलावा ये लाइट होता है क्योंकि दिन में ऑब्वियसली चाहे ठंडी जगह हो चाहे गर्म जगह हो, बट दिन में वी वांट कि हमने मेकअप लगाया हुआ है तो कोई बहुत लेयरिंग वाला फीलिंग ना आए। ज्यादातर नॉन ग्रीसी फॉर्मूला होता है और मेकअप के नीचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें वो इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं डाले जाते जो आपको सूरज की रोशनी से सेंसिटिव करते हैं, ठीक है। तो रेटिनॉल्स जो है वो कभी भी आपके डे क्रीम में अगर बहुत रेयरली, यूजली रेटिनॉल्स नाइट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जो रेटिनॉल डे में भी बनाते हैं, लेकिन वो इतना कम उसमें रेटिनॉल डालते हैं कि वो बेसिकली सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्ट होता है रेटिनॉल बेचने का, अदरवाइज उसमें वर्थ इट रेटिनॉल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह नाइट क्रीम जो है उसके अंदर क्या चीजें हैं, आपकी स्किन रिपेयर कर रही है, रीजनरेट कर रही है। आपको पता है कि रोड अगर टूट जाए तो उसका काम रात में ज्यादा अच्छे होता है, क्योंकि रात में मजदूर की वर्किंग कैपेसिटी बेहतर होगी लाइक नॉर्मली, और प्लस ये कि जो आपका रिपेयर का सामान है वो साइट पर पहुंचाना आसान होता है। तो सिमिलरली जो आपकी नाइट ट्रीटमेंट है, नाइट क्रीम है, उनकी रिपेयरिंग पावर ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें हाई कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट्स की डाली जाती है, थोड़ा हैवी होते हैं टेक्सचर में, और आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त ये काम करती है ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और वो जो काम करना चाह रही है रिपेयर का, वाइटनिंग का, एंटी एजिंग का, वो भी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक, ठीक है। सन प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो आपकी जितनी भी क्रीम्स हम लगाते हैं तो उसके साथ स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम धूप में जाएं या हीटर के आगे जाएं या कहीं पर भी हम हीट के करीब जाएं, बॉनफायर के पास, तो उसमें हमें सन प्रोटेक्शन अपनी बहुत अच्छी रखना जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि हम अपनी स्किन को झुलसने से बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो सन सेफ्टी जो है वो बेसिकली सन प्रोटेक्शन के अंदर आती है। इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि आपका जो SPF है वो 30 से 50 के बीच में रहना चाहिए, जो हम एशियन स्किन वाले हैं,
क्योंकि 30 से 50 जो है वो हमारे लिए ब्यूटी के लिए, हमें गोरा रखने के लिए सही है। हाँ अलबत्ता अगर कोई ऐसा इंसान मुझे सुन रहा है जो कि काला होना चाहते हैं, टैन होना चाहते हैं, तो उनको वो फिर SPF 50+ लगाते हैं। ठीक है, 50+ हम दो तरह के पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं। एक वो जो खुदा खासा किसी डिजीज का शिकार हो, स्किन कैंसर वगैरह या सोराइसिस, कोई ऐसा मसला जिसमें ब्यूटी सेकेंडरी चीज हो, या हम उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो गोरे हों और उनको टैन होने का शौक हो। ठीक है, तो जो अंग्रेज होते हैं बीच पे लेट के, वो SPF 70-100 लगा के लेटते हैं ताकि वो टैन हो जाए। तो आपने सनब्लॉक खरीदते हुए SPF 30 से 50 के बीच में रहना है अगर आप गोरा होना चाहते हैं। 30 से नीचे भी इनफ नहीं है, 50 से ऊपर ज्यादा हो जाएगा तो काले हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये थोड़ी साइंटिफिक स्लाइड है, इसका मैं आपको क्विकली मतलब समझा देती हूँ। इसको अगर किसी ने साइंस पढ़ी हुई है जरा डेप्थ में तो वो इसको बाद में आराम से देख सकते हैं। केमिकल सनस्क्रीन और मिनरल सनस्क्रीन में फर्क क्या होता है? एक कहलाता है सनस्क्रीन, एक कहलाता है सन ब्लॉक। मिनरल वाला जो है उसको हम सन ब्लॉक कहते हैं, और जो केमिकल वाला होता है उसको हम सनस्क्रीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा आपने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के मैच में जो क्रिकेटर बाहर निकलते हैं तो उन्होंने होंठों पे वो सफेद या पीले या हरे रंग की कोई एक लेयर सी लगाई हुई होती है आंखों के नीचे, और वो बड़े मजे के लग रहे होते हैं देखने में, फनी से। तो वो जो एक चीज उन्होंने लगाई होती है वो होता है मिनरल सनस्क्रीन या मिनरल सन ब्लॉक उसको बेसिकली कहते हैं। ठीक है, मिनरल सन ब्लॉक वो होता है जो बेसिकली चौकी सा होता है थोड़ा। आपने कुछ सन ब्लॉक ऐसे लगाए होंगे जिसको लगा के आपको व्हाइट व्हाइट सा फील होने लगता है। सो मिनरल जो है वो ये होते हैं कि ये अपनी फिजिकल मौजूदगी की वजह से शीशे का काम करते हैं, और ऐसे लगता है जैसे आपने ढेर सारे छोटे 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 शीशे मुंह के ऊपर रख लिए हैं, और जब धूप की अल्ट्रावायलेट रेस उस पर पड़ेंगी तो वो शीशा जो है वो आपकी स्किन के अंदर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा और उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, सो ये जो क्रिकेटर्स होते हैं ये अक्सर इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक तो ये कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ऊपर शीशे वाला काम करते हैं, स्किन में जल्द नहीं होते, ऊपर पड़े रहते हैं, यूवी रेज पड़ी, यूवी रेज रिफ्लेक्ट हुई और काम खत्म, आपका मसला हल हो गया। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए बड़े अच्छे होते हैं, और इसका ये आपको वेट नहीं करना पड़ता, आप लगा के फौरन धूप में बाहर जा सकते हैं, आपको आधा घंटा 20 मिनट वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो केमिकल सनस्क्रीन होते हैं ये केमिकल होते हैं, ये चौकी या वाइट फिनिश नहीं देते, लेकिन ये स्किन में जस्ट वो के इनको 15 से 20 मिनट चाहिए होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये आपकी अल्ट्रावायलेट रेस को स्किन में एब्जॉर्ब करके और किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो केमिकल सनस्क्रीन जो है वो बच्चों में नहीं इस्तेमाल होता, बच्चे क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है उनकी तो उनको हम नहीं देते। और केमिकल सनस्क्रीन जो है वो बेसिकली आपका ट्रांसपेरेंट होता है, वो कोई कलर नहीं देता आप। सो प्राइमरीली ये डिफरेंस है, और दोनों की टाइमिंग में फर्क होता है कि जो सनब्लॉक है वो आप लगा के फौरन धूप में जा सकते हैं, लेकिन केमिकल सनस्क्रीन को लगा के आपको 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है, उसके बाद ये काम करना शुरू करता है। ठीक, एक आयत जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं चाहती थी कि बीच में थोड़ा सा आपको दुनिया के बीच में फिर दीन याद दिला दूं, सूरह 3 की आयत है, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। ठीक है, सो ये बिल्कुल नहीं आपने भूलना, और हम में से हर कोई बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हम अल्लाह ताला की बेहतरीन तखलीक है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलना कभी भी दिल में। आपने ये नहीं समझना कि अगर कोई बहुत चीजें महंगी अफोर्ड कर सकता है या कोई बहुत महंगी चीजें लगाता है तो वो खूबसूरत है, खूबसूरती दिल के अंदर होती है, चेहरे की खूबसूरती सिर्फ शैलो लोग देखते हैं हमेशा। वैसे देखने में चीजें खूबसूरत सबको पसंद होती हैं, लेकिन जो असल खूबसूरती है वो किरदार की खूबसूरती है, तो उसको कभी ना भूलें। अच्छा अब आ जाते हैं, ये जो मैंने आपको पिछले स्टेप्स बताए थे, डबल क्लिंजिंग, एक्सफोलिएशन, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक, ये आपकी बेसिक स्किन केयर रेजिम है, ये करनी ही करनी है, ये नहीं आप समझे कि ये फर्ज नमाजें थी जो आपने अदा करनी करनी है। अब जो एडवांस स्किन केयर स्टेप्स हैं ये आपकी नफिल है, ये अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप फर्ज नमाजें छोड़ के नफलों पे लगेंगे तो आपके नफलों का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अगर आप बेसिक स्किन केयर रेजीम छोड़ के एडवांस स्किन की महंगी महंगी प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे तो आपकी एडवांस स्किन केयर आपको कोई फायदा नहीं देगी। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि ये नफिल नमाजें और वो जो आपकी वो थी बेसिक स्किन केयर रेजिम थी वो आपकी फर्ज नमाज थी। अच्छा ये कौन से स्टेप्स हैं बेसिकली, ये वो स्टेप्स हैं जो अक्सर इसके बारे में बड़ी हाइप होती है कि लोग अब जिन्होंने बड़ा इंप्रेशन एक जान करना होता है, इम्पोज करना होता है कि हम बहुत ज्यादा स्किन केयर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वो सीरम्स, मास्क, आई क्रीम्स, लिप बाम इस किस्म के नाम लेते हैं। सो ये सारी चीजें बेसिक में नहीं आती, ये एडवांस स्किन केयर रेजिम है। ठीक है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें मैं आपको हर स्लाइड में इसकी एक्सप्लेनेशन बताती जाती हूँ। पहला
पहली चीज होती है टारगेट ट्रीटमेंट। टारगेट ट्रीटमेंट का मतलब ये कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो बॉटल या किसी भी पैकिंग में मिलता है, जो कि आपने स्पेसिफिक, ये पूरे मुंह पे नहीं लगता, ये सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जहां पर आपका कोई एक अचानक से मसला निकला है और उस मसले की वजह से आपने ये बोतल खरीदी है, और ये आप सिर्फ उस मसले वाली जगह पे लगाएंगे और जब मसला खत्म हो जाएगा तो आप इस बोतल को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये टारगेट ट्रीटमेंट होते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के टारगेट ट्रीटमेंट आते हैं, कुछ होते हैं जो छाइयों के लिए, फ्रेकल्स के लिए होते हैं, कुछ होते हैं जो एक्नी के स्पॉट ट्रीटमेंट्स होते हैं जो सिर्फ दाने पे लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्रीमें होती हैं जो फाइन लाइन डीप लाइंस के लिए होती हैं। इसी तरह अगर सेंसिटिविटी है कहीं पर, खुदा खास्ता वैक्सिंग से मुंह जल गए तो उस जगह पे रिपेयरिंग बाम्स होती हैं। ठीक है, तो टारगेट ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ उस वक्त उस जगह पे लगेंगे जहां मसला है, और ये सिर्फ उस वक्त तक लगेंगे जब तक मसला हल नहीं होता। जब मसला हल हो जाएगा तो आप उसको लपेट के रख दें, और फिर जब खुदा खास्ता कभी और कोई मसला हो या किसी और को हो तो फिर आप उसको आगे दे देते हैं। ठीक है, ये टारगेट ट्रीटमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास होती है वो सीरम्स होती है, सीरम्स वर्सेस ऑयल। ठीक है, फेस सीरम्स वर्सेस फेस ऑयल। अच्छा, सीरम क्या होता है बेसिकली, अगर आम अल्फाज में आपको समझाऊं तो सीरम अर्क होता है। ठीक है, जैसे अर्क है, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई शरबत है, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे एक शरबत की बोतल है, उससे एक ग्लास मुझे वो शरबत बना के दें, और एक आपके पास ऑलरेडी बने हुए शरबत का जग है, उससे आप मुझे नया ग्लास बना के दें शरबत का। ठीक है, सो होगा क्या कि वो जो आपकी शरबत की बोतल है, जो ब्रांडेड बोतल आई है, वो जब आप उसमें से एक या दो टेबल स्पून पानी में डालेंगे तो जबरदस्त सा शरबत तैयार हो जाएगा, लेकिन जो बना हुआ शरबत है, जो ऑलरेडी जग में बना हुआ, उसको जब आप ग्लास में डालेंगे तो कम से कम आधा पौना ग्लास आप वो डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, तब भी इतना मीठा शरबत नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो बोतल में आपका था शरबत, जो प्रॉपर ब्रांडेड वाली बोतल थी, वो अर्क था। ठीक है, वो सीरम था। सीरम हमेशा छोटी बोतल में आएगा और उसके चंद कतरे रिजल्ट देने के लिए काफी है। और जो जग में चीज बनी हुई थी वो बेसिकली आपकी मॉइस्चराइजर या जो हमने नाइट क्रीम्स वगैरह की बात की थी वो थी। यानी बड़ी पैकिंग में आएंगी, ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी और तब भी वो रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है, तो सीरम इसलिए ज्यादा मशहूर होते हैं क्योंकि सीरम जो है वो अर्क होता है। और सीरम की लेकिन बॉटल्स महंगी होती है, हमेशा याद रखिएगा, क्रीम सस्ती होती है, सीरम महंगे होते हैं। अगर आप एक ही ब्रांड की एजिंग की क्रीम और एजिंग का सीरम देखेंगे तो सीरम की क्वांटिटी भी कम होगी और सीरम की प्राइस भी ज्यादा होगी। अच्छा, सीरम और फेस ऑयल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एसेंशियल ऑयल्स वगैरह भी मिलते हैं बॉटल्स के अंदर मसाज के लिए और लगाने के लिए। सीरम जो है वो वाटर बेस्ड होते हैं, तो ये उन लोगों को ज्यादा पसंद होते हैं जो कि जिनकी स्किन ऑयली होती है। ठीक है, और जो ऑयल होते हैं फेस ऑयल्स, वो ऑब्वियसली ऑयल बेस्ड होते हैं, तो ये ज्यादातर जैसे एक्नी के ऑयल्स, सॉरी एजिंग के ऑयल्स आते हैं, तो एजिंग वाले ऑलरेडी उनकी स्किन क्योंकि ड्राई हो रही होती है इसलिए वो ऑयल टाइप चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ड्राइनेस भी बेहतर हो जाती है और प्लस उनको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिल रहे होते हैं। इसी तरह सीरम थिन और लाइट होता है, ऑयल जो है वो हमें पता है कि थिक होता है और जरा चिपचिप होता है। इसी तरह दोनों जो है उसमें से सीरम क्योंकि वाटर बेस्ड होता है तो एब्जॉर्ब बड़ी जल्दी हो जाता है, और ऑयल क्योंकि थोड़ा थिक होता है तो वो थोड़ा आपको मसाज करना होता है और वो मसाज करके आराम आराम से जज्ब होगा। इसी तरह मॉलिक्यूल्स वाली चीज को आप बेशक छोड़ दें, जो सीरम है वो मॉइस्चराइजर से पहले लगेगा। हमेशा याद रखें कि सीरम्स चाहे व्हाइटनिंग के हों चाहे एजिंग के हों, इनको आपकी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, सीरम आप हमेशा डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, नीचे कुछ भी सिवाय टोनर के कुछ भी नहीं लगवाना चाहिए। जो ऑयल है उसके अंदर ऑप्शन होती है कि आप इसको मॉइस्चराइजर के ऊपर भी लगा सकते हैं या आप इसको मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं। यानी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपकी नाइट क्रीम है तो आप बेशक ऑयल के चंद कतरे मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स कर लें और उसको मिक्स करके लगा लें, या कुछ लोग जिनका अगर मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है तो वो सिर्फ ऑयल भी लगा लेते हैं। ठीक है, सो अगर आप, और अगर आप दोनों चीजें यूज करते हैं, सीरम और ऑयल दोनों यूज करते हैं, तो फिर नीचे सीरम लगेगा क्योंकि पानी वाली चीज पहले लगेगी और तेल वाली बाद में लगेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम मास्क पे। मास्क जो है वो क्या चीज है, मास्क आपकी मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने कभी पिज्जा बनाया, लेकिन पिज्जे का डो अगर किसी ने बनाया हो तो आपने ये देखा है, या कोई खमीर वाला डो अगर आटा आपने बनाया है, तो उसमें हम ये करते हैं कि जब खमीर हम आटे में मिक्स करते हैं मैदे में, तो हम उसको एक गीला कपड़ा चढ़ा के किसी गर्म जगह पे रख देते हैं। ठीक है, और गीले कपड़े का मकसद ये होता है कि वो खमीर की जो पेनिट्रेशन है आटे के अंदर उसको वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो मास्क जो है वो बेसिकली वो गीला कपड़ा है जो हम खमीर वाले आटे के ऊपर लगा के रखते हैं,
ताकि वो जो आपने खमीर और आटे को मिलाया है उसकी उसका रिएक्शन अच्छा हो, उसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। तो मास्क क्या करता है कि जितना मॉइस्चर आपकी स्किन में, आप नीचे सीरम या कोई भी चीज अगर लगाई, जैसे फेशियल में भी जो मास्क होता है उसके नीचे कोई सीरम वगैरह हल्का सा लगा के मास्क लगाते हैं, तो एक तो ये कि स्किन को मॉइस्चर देता है, प्लस ये कि वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर सी बना देता है, क्योंकि हम हमें पता है कि मास्क मुख्तलिफ तरह के आते हैं, व्हाइटनिंग मास्क है, एजिंग मास्क है, तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है वो जब हम मास्क लगा के छोड़ते हैं तो वो इंग्रेडिएंट स्किन के अंदर बड़े अच्छे से, वो गीले कपड़े के अंदर जैसे हमने डो को पेनिट्रेट कराया यीस्ट के साथ, उस तरह आपका मास्क जो है वो सारी इंग्रेडिएंट्स को स्किन के अंदर अच्छे से जज कर सकता है, ठीक है। ज्यादातर मास्क हफ्ते में 1 से 2 दफा लगते हैं, कुछ मास्क होते हैं जो आप डेली भी लगा सकते हैं, अगेन वही स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, अगर प्रोफेशनल लेवल का मास्क है तो वो आप 1 वीक लगा सकते हैं, और कुछ जो आपके घरेलू टोटके वाले मास्क है वो बेशक आप रोज लगा लें। इसके अलावा मास्क में आप जोन बाय जोन भी चल सकते हैं, यानी अगर लेट सपोज कि किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है जिसकी नाक बहुत ऑयली है लेकिन चीक्स ड्राई रहते हैं, तो उस केस में वो चीक्स के ऊपर ड्राई स्किन वाला मास्क खरीद के लगा सकते हैं और नाक के ऊपर वो ब्लैक हेड एक्नी वाला मास्क लगा सकते हैं। तो मास्क के अंदर जो है वो बड़ा आप प्ले कर सकते हैं कि आप जैसे फोरहेड पे अगर दाने निकले तो एक्नी वाला मास्क सिर्फ फोरहेड पे लगा लें, और अगर चीक्स पे छाइयां हैं तो फिर आप व्हाइटनिंग वाला मास्क सिर्फ चीक पे लगा लें। तो आप जोन बाय जोन अलग अलग फेस के एरियाज पे अलग अलग मास्क लगा सकते हैं। इसी तरह आई क्रीम्स आ जाती हैं। अच्छा, आई क्रीम्स नॉर्मल मॉइस्चराइजर से अलग इसलिए होती हैं क्योंकि आई का जो एरिया है यहाँ पर जो हमने सीबम ग्लैंड यानी सेबेशियस ग्लैंड पड़े थे ऑयल वाले, वो कम होते हैं, काफी कम होते हैं बाकी स्किन के मुकाबले में। तो आईज का एरिया, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली आंखें यूज करते हैं, हम ब्लिंक करते हैं, हम हंसते हैं, हम फोकस करते हैं, अगर किसी की आई साइड वीक है तो वो जरा फोकस करने के लिए आंखें छोटी कर लेते हैं, तो आईज कॉन्स्टेंटली यूज में रहती है जब हम जाग रहे होते हैं, इसलिए आईज पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एंड इसी वजह से आईज की स्किन जो है वो जल्दी उस पर डार्क सर्कल आने का चांस होता है या झुरी आने का चांस होता है। इसलिए आईज के अंदर स्पेसिफिकली आई क्रीम्स सजेस्टेड होती हैं कि अगर आपको फाइन लाइन्स आ रही हैं, पफिनेस है, डीप लाइन्स हैं या डार्क सर्कल है। ऑल्दो कि याद रखिएगा कि हमेशा आईज का अगर कोई मसला है तो उसको इंटरनली देखा जाता है कि अगर पफिनेस आ रही है तो कोई किडनीज का मसला तो नहीं है या जेनेटिक मसला तो नहीं है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं तो क्या नींद पूरी होती है, क्या स्किन में पानी की कमी तो नहीं है, क्या डिम लाइट में मोबाइल या टीवी तो नहीं देखते, लैपटॉप पे काम तो नहीं करते। तो आईज यूजुअली इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, लेकिन एक्सटर्नली आपको मुख्तलिफ आई क्रीम्स मिल जाती हैं जो कि फाइन लाइंस के लिए होती हैं, इसके अलावा डीप लाइंस जिनको क्रोज फीट कहते हैं आंखों के गिर्द वो बन जाते हैं, पफी आईज होते हैं, डार्क सर्कल्स हैं, इसी तरह आईज अगर सेंसिटिव होती हैं, आईज के गिर्द बर्निंग शुरू हो जाती है कोई भी आप मेकअप या चीज लगाएं, उनके लिए क्रीम्स मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा डे क्रीम्स आती हैं आई क्रीम्स के अंदर जो कि जिसके अंदर सनब्लॉक अलग से डला होता है ताकि सेंसिटिविटी ना हो, और साथ में थोड़ा सा शिमर डला होता है, हल्की सी शाइन डली होती है ताकि जब आप धूप में जाते हैं तो वो शिमर शीशे का काम करता है और वो आपके डार्क सर्कल्स पे से लाइट रिफ्लेक्ट करता है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स कम लगते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर आपके पास फंक्शंस आपको आई क्रीम के मिलते हैं, लेकिन आई क्रीम्स जो स्पेशली जिसमें रेटिनॉल हो, एंटी एजिंग आई क्रीम्स, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि उसको डे टाइम में ना यूज कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप धूप में जाएंगे तो आंखों में जलन शुरू हो जाएगी। सो आई क्रीम्स जो है वो अगेन लग्जरी है, नेसेसिटी उस केस में है कि अगर आपकी आंखों का बहुत ही बुरा हाल हो गया तो फिर आप, लेकिन अगेन वही बात कि अगर आपकी फर्ज नमाजें पूरी नहीं है तो आपकी नफलों का कोई फायदा नहीं है, तो अगर आपकी होम केयर में वहां से आपका क्लेंजर या फेस वॉश या मॉइस्चराइजर या सनब्लॉक सही नहीं है तो आप महंगी सी आई क्रीम भी लेके लगा लेंगे तो उस आई क्रीम वो रिजल्ट नहीं देगी, आपको कोई फायदा नहीं देगी। लिप ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं फिर। लिप ट्रीटमेंट्स हमें पता है कि ऑब्वियसली क्योंकि जैसे आईज के अंदर आपके ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स नहीं होते आईज की स्किन के गिर्द, आइस की जो स्किन है, इसी तरह लिप्स में भी आपको ये पता होना चाहिए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग, क्योंकि देखें होंठों पे बाल नहीं निकले, हमने उस पहली स्लाइड में बात ये की थी कि जहां पर बाल निकले होंगे, रुआ होगा, वहां तेल बाहर आएगा, तो होंठों पे तो कोई बाल होते नहीं, लिप्स के एजेस पे होते हैं लेकिन होंठ पे नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि होंठों का अपना कोई तेल नहीं बन रहा, सो इसीलिए लिप्स जो है वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इसपे से स्केल्स उतरना शुरू हो जाते हैं और चैप होना शुरू हो जाते हैं, फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और डार्क होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि होंठ काले हो रहे हैं, होंठ काले हो रहे हैं, वो इसलिए काले हो रहे होते हैं क्योंकि आपके होंठों के पास नेचुरल मॉइस्चराइजर नहीं है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको फील हो रहा है कि स्किन लिप्स की स्किन ड्राई हो रही है तो स्किन के ऊपर चीजें लगाएं, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको मॉइस्चराइज रखें, ठीक
ठीक है। इसी तरह जो लोग जो खवातीन स्मोकिंग करती हैं या स्ट्रॉ बहुत ज्यादा यूज करती हैं, हर हर ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करती हैं, उनके होंठों पे लाइनें पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं आपके लिप्स की, जैसे स्मोकिंग में भी ऑब्वियसली वो सिगरेट को होंठों से पकड़ने के लिए जो एक मूवमेंट होती है उससे भी स्मोकर्स लिप्स उसको कहते हैं, वो डार्क भी होते हैं और उसमें फिर लाइन्स भी पड़ी होती हैं। सो इस तरह की चीजें जो है उसमें लिप बाम्स फिर हम रिकमेंड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्या मसला है। उसमें विटामिन ई वाली लिप बाम्स भी आती हैं, कुछ विटामिन सी के साथ भी आती हैं, कुछ ऐसी लिप बाम्स हैं जिनके अंदर थोड़ी सी चीनी के ग्रैन्यूल्स मिक्स होते हैं ताकि वो जब आप लगाती हैं टिंट के साथ तो वो हल्की सी चीनी उसको रगड़ती है और एक एक्सफोलिएशन भी हो जाती है और साथ में टिंट भी आ जाता है। इसके अलावा लिप के सेपरेट अपने मास्क भी आते हैं जो ओवरनाइट आप लगा के सो जाते हैं और वो लिप्स की स्किन को हाइड्रेट करते हैं। सो लिप्स जो है उसको इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो लिपस्टिक है उसके शेड्स चेंज हो जाते हैं, अगर आपके नीचे से लिप्स डार्क हैं बहुत ज्यादा और अगर आप उसके ऊपर लाइट लिपस्टिक लगाना चाहेंगी तो फिर वो बहुत सारी खवातीन इस तरह होती है, एक शेड अगर दो बहनें लगा रही हैं तो दोनों के लिप्स पे शेड फर्क आ रहा है। ठीक है, या लाइनें पड़ रही हैं तो फिर आपकी लिपस्टिक उस तरह स्मूथ नहीं लगती, लिप्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं और फिर वो अल्टीमेटली लोग फिर फिलर्स और इस तरफ चले जाते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह किसी क्लास में उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। सो लिप्स का भी, आपने लिप्स पार्ट ऑफ फेस है और ऑब्वियसली लिपस्टिक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है हर खातून लगाती है तो लिप्स का ख्याल रखना जरूरी है। ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं, क्लिंजर्स में क्या क्या चीजें आप घर पे आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आपका जो मड है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, या काउलिन क्ले मिल जाती है आपको पंसारी की दुकान से, ये ऑयल कंट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ ख्याल रखिए कि जो ऑयल बेस्ड क्लिंजर्स चाहे आप उससे ले रहे हैं दुकान से ले रहे हैं या आप घर पे ये मुल्तानी मिट्टी या क्ले वगैरह यूज कर रहे हैं, इसको आंखों होंठों पे आपने नहीं यूज करना। उसकी रीजन ये है कि मैंने आपको बताया कि आंखों होंठों पे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, तो अगर आप ऑयल कंट्रोल वाली चीज आंखों होंठों पे यूज करेंगे तो आपके आईज के गेट डार्कनेस पड़ जाएगी और आपके होंठ मजीद डार्क हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। इसी तरह जो एक मेरा फेवरेट है वो ओटमील पाउडर है। ओटमील को उर्दू में जई कहते हैं, जौ नहीं कहते, जौ कहते हैं भरले को। ठीक है, ओटमील आपको सीरियल्स मिल जाते हैं, रोल ओट्स मिल जाते हैं, इसको सिंपली आप ग्राइंड करें, पाउडर बना के शीशे का की बॉटल में बाथरूम में रख लें। सेंसिटिव ड्राई और एजिंग स्किन के लिए बेहतरीन क्लिंजर है, सिंपल उसको पाउडर हाथ में निकालें, पानी मिलाएं, पेस्ट बनाएं और इसको आप एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं और इसको आप एज अ फेस वॉश भी डेली यूज कर सकते हैं, ड्राई सेंसिटिव और एजिंग स्किन वाले लोग, और इसको आप आंखों होंठों पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बेसन, बचपन से सुनते आ रहे हैं बेसन जो है वो एक्नी स्किन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसन में थोड़ा सा आपने लेके हाथ में अर्के गुलाब मिलाया और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा मुन्ना सा एक चुटकी जो है ना वो आपने जो लीमू के छिलके का पाउडर होता है वो मिला लिया ताकि वो थोड़ा वाइटामिन सी का इफेक्ट होता है ब्राइटनिंग, वो मिला लें, या एक कतरा लीमू का, एक या दो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और सेंसिटिव स्किन है तो फिर लीमू के कतरे ना मिलाएं, फिर वो आप जंप कर दें, सिर्फ सादा बेसन यूज करें, ये एक्नी का फेस वॉश बड़ा अच्छा हो जाता है। इसी तरह ड्राई मिल्क पाउडर, सूखा दूध जो होता है, ये वाइटनिंग क्लिंजर बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, अगर आप गोरा होना चाहते हैं और स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये बड़ा अच्छा रहता है। ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है, वो दिन में एक दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, दो दफा ना करें, लेकिन मेरी सजेशन ये होती है कि साबुन से बेहतर है कि आप इन चीजों पर, अगर आप कोई नहीं अफोर्ड करता अच्छे क्लिंजर्स अच्छे ब्रांड्स तो वो बहुत बेहतर है कि वो साबुन से मुंह धोने के बजाय, क्योंकि साबुन जो है ना वो स्किन का मॉइस्चर काटता है, साबुन आपको बहुत जल्दी एजिंग की तरफ लेके जाता है, तो ये जो टोटके हैं ये बहुत बेहतर हैं साबुन से, अगर आप फेस वॉश नहीं अफोर्ड करते तो फिर आप इन पे शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, स्क्रब्स के अंदर पुराने जमाने की हमारी दादियां नानियां जो है वो बादाम को भिगो के उसके छिलके उतार के उसका पाउडर यूज करती थी। जो आलमंड पाउडर है वो ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन को ये तंग करेगा क्योंकि आलमंड के अंदर अपना एक आलमंड के अंदर एक अपना ऑयल होता है बादामों के अंदर। ठीक है, ऑयली स्किन वाले जो है वो चावल का आटा यूज कर सकते हैं। अगेन चावल का आटा आप हाथ में निकालेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, उसका अपना एक नेचुरल ग्रेन होता है, लेकिन इसको एक्नी स्किन वाले ना यूज करें क्योंकि इसमें दाने हैं तो आपके दाने फट जाएंगे अगर आप ग्रैन्यूल्स वाली कोई चीज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फ्रेश योगर्ट जो घर की जमी हुई ऑर्गेनिक दही होती है वो यूज की जा सकती है एज अ केमिकल एक्सफोलिएंट। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में हमारी नानियां दादियां जो है वो दही चेहरे पे लगाती थी बिकॉज दही के अंदर नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को और अंदर से फ्रेश स्किन को बाहर लेके आता है।
सो क्लियोपेट्रा जो एक बहुत मशहूर क्वीन थी, वो दूध से नहाती थी क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो खैर हम दूध से नहाने तो नहीं वाले, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि घर की जो जमी हुई दही है उसमें से बलाई वाला पोर्शन ऊपर से हटा दें अगर आपकी स्किन ऑयली है, और नीचे से जरा बिल्कुल मलाई के बगैर वाली दही निकाल के वो आप सिंपल दही फेस पे लगा के और 10 मिनट छोड़ दें और वॉश कर लें। टोनर के अंदर फ्रेश रोज वाटर बहुत अच्छा होता है। फ्रेश रोज वाटर से मुराद मेरी ये है कि ये जो एक्स वाई जेड ब्रांड्स के आते हैं टोनर, अर्क गुलाब के नाम से, ये ना इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें सिर्फ अर्क भी और गुलाब भी दोनों नहीं होता, पानी में खुशबू होती है। अगर आप बहुत ईगर हैं तो आप अपना अर्क गुलाब खुद बनाएं, पत्तियां लें, उनको बॉईल करें, जब पानी उड़ के आधा रह जाए तो छान के उसको स्प्रे बॉटल में डाल के फ्रिज में रख लें। टोनर के तौर पे ये यूज हो सकता है। अच्छा, मॉइस्चराइजर में एलोवेरा जेली, फ्रेश एलोवेरा प्लांट जो है उसकी जेली निकालें, वो हर स्किन टाइप के लिए अच्छी है, डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छी है, या आप बॉडी पे भी लगा सकते हैं। उसको बेशक थोड़ा सा निकाल के ग्राइंड करें और अपने किसी बॉडी मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश मिल्क और क्रीम, जो कच्चा दूध होता है या फ्रेश जो दूध को जब हम बॉईल करके फ्रिज में रखते हैं और उसके ऊपर जो मलाई आती है उसकी बैक साइड पे आप देखिएगा एक बड़ी सॉफ्ट सी लेयर होती है, जो मलाई की लेयर आती है उसकी बैक साइड पे एक लेयर होती है, ये लिप्स के लिए बहुत अच्छी होती है कि अगर किसी के डार्क लिप्स हैं या लिप्स ड्राई रहते हैं तो थोड़ा सा वो डेली रात को होती भी टेस्टी बहुत मजे की, आप खा भी लें तो कोई मसला नहीं है। उसके अंदर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा लीमू के छिलकों का पाउडर, या आजकल जैसे किन्नू आए हुए उसको एक दो किन्नू के छिलके आप सुखा के उसको साफ करके सुखा के और उसका पाउडर बना के रख ले, तो बस एक चुटकी आपने छोटी चुटकी जो है वो क्रीम के साथ मिक्स करें और वो आप डेली रात को लगा के सोएं तो और अगर आप फील हो के थोड़े होंठ फटे हुए हैं तो फिर ये लीमू और किन्नू के छिलके ना डालिएगा क्योंकि वो जलन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश मिल्क ऑप्शन हो सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा एड ऑन्स में क्या चीज है, शहद जो है वो हमेशा देखिए कि बहुत सारे लोग मास्क बनाते हैं और उसमें शहद मिलाते हैं, तो शहद जो है वो ड्राई और एजिंग स्किन के लिए, अगर आपकी एक्नी और ऑयली स्किन है तो आप शहद ना डालिए उसके अंदर। ठीक है, शहद ड्राई एजिंग स्किन के लिए अच्छा है, सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है, लेकिन ऑयली एक्नी के लिए शहद नहीं यूज होता। इसी तरह अंडे की सफेदियां जो है वो एंटी एजिंग है, स्किन वाइट टाइटनिंग के लिए यूज होती है एज अ मास्क, सिर्फ आप जल्दी हटा दें विस्क करके हल्का सा और उसको चेहरे पे लगा के छोड़ दें और 10 मिनट बाद आप वॉश कर लें उसको। या फिर जिनको ब्लैक हेड्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि वो पहले नाक के ऊपर या जहां पर ब्लैक हेड्स हैं, बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ आपकी नेचुरल डीआईवाई जो नोज स्ट्रिप है वो बन जाती है कि आप टिश्यू पहले अपनी नाक पे वो लगाएं, आप जो सफेदी है उसको लगाएं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रखें, फिर उसके ऊपर एक और दफा वो सफेदी लगाएं, तो इस तरह 2 लेयर्स तकरीबन आप टिश्यू की करेंगे और उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो बिल्कुल सख्त हो जाएगा, उसको हल्के से आप पील करेंगे तो एक आपकी जो सुपरफिशियल होंगे, बहुत डीप वाले नहीं निकलेंगे लेकिन सुपरफिशियल जो ऊपर ऊपर होंगे ब्लैक एंड व्हाइट वो निकल आएंगे इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा लेमन ऑरेंज पील पाउडर मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, खुशबू बहुत अच्छी होती है इसकी। लीमू थोड़े से अगर गर्मियां हैं तो सुखा लें, सर्दियां हैं तो किन्नू लेके थोड़े अच्छे से धो के उसको साफ करके अंदर से उसका जो व्हाइट व्हाइट सा वो होता है डेब्रिस सी होती है वो हटा के और उसको धूप में सुखा लें और उसको पीस के पाउडर आप बना के रख लें, तो उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और वो आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपने यूज करना है अपने क्लिंजर, जो आपका अगर पाउडर आपको यूज कर रहे हैं या अगर मास्क कोई बना रहे हैं उसमें आपने बहुत थोड़ा 1 से 2 चुटकी से ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि तंग कर सकता है सेंसिटिव स्किन वालों को, तो ये आप यूज कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स हैं। आखिरी हमारी स्लाइड है, क्विकली हमने इसको किया है वाइंड अप क्योंकि मुझे हेलो, था कि ये टाइमली हो जाए आपका। अच्छा, हेलो सुरे, जी, हाँ मैम, ये जो लास्ट वाला आपने जो लाइन बोले ना, उसके पहले वाला बताइए ना प्लीज जरा। अच्छा ओके, मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड जजाकल्लाह। एक सेकेंड जाने में, लेमन पील या ब्लैक हेड्स वाली बात पूछ रही होंगी मेरे ख्याल है। ब्लैक हेड्स के लिए ये है कि अंडे की सफेदी जो है वो आपने, जैसे नाक पे ब्लैक हेड्स हैं, अंडे की सफेदी आपने ब्रश से या उंगली से उसको नाक पे लगाया, उसके ऊपर जो आपका टिश्यू पेपर होता है सादा जो घर में हम यूज करते हैं, वो टिश्यू पेपर की आपने जैसे पट्टी सी काट लें, ताकि ऑब्वियसली वो पूरा मुंह पे तो नहीं लगाना, हमने नाक पे लगाना है, उसकी पट्टी आपने लगाई उस गीले जो आपकी एग वाइट है उस पर लगाई पट्टी, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा आपने एग वाइट हाथ गीला करके या ब्रश गीला करके एक और कोटिंग की,
उसके ऊपर एक और आपने टिश्यू, ये टिश्यू की दो लेयर्स आप लगा रहे हैं और हर लेयर के बीच में एग वाइट आपकी है क्योंकि वो चिपकेगी नहीं अदरवाइज आपस में, ठीक है। और जब आपने दूसरी पट्टी उसकी लगा दी टिश्यू की, तो उसके ऊपर दोबारा एक दफा एग व्हाइट लगा दें, यानी एग व्हाइट की आपकी तीन लेयर लगी, पहले नाक पे, फिर टिश्यू के ऊपर एक लेयर के बाद, और फिर टिश्यू की लेयर के दूसरे ऊपर, ठीक है। और उसको आपने वेट करना है कि ये सूख जाए, जब वो ड्राई हो जाएगी तो फिर आपकी वो बिल्कुल टाइट सी हार्ड सी एक पैकिंग बन जाएगी, और उसको आप हल्के से जैसे नोज स्ट्रिप उतारते हैं उस तरह उतारेंगे, तो उससे आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो ऊपर ऊपर वाले होंगे वो निकल आएंगे आराम से, बहुत डीप वाले नहीं निकलते इससे, ठीक है। तो और डीप वाले आप कोशिश करें कि वो किसी सैलून से निकलवा लें, क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो या तो आप पिन का निशान डाल लेंगे या आप उसके अंदर से खून निकाल लेंगे, तो सुपरफिशियली जो है वो इससे इससे बड़े अच्छे निकल आते हैं। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत मैम। आमीन आमीन। अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है हमारी, सूरह एराफ की आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और खाओ और पियो और हद से ज्यादा खर्च ना करो, कि बेशक वो बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये मैंने आखिरी स्लाइड इसलिए रखी है क्योंकि कभी कभी हम ब्यूटी के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैलाने लग जाते हैं, हम अपने खर्चे, हम अपनी चीजें देखना भूल जाते हैं। और एक अगेन मैं वही हमेशा बात कहती हूँ कि एक रैट रेस है, एक मदिया आपने हैंड रेस किया है जी, बताइए आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप सवाल करना इसलिए हैंड रेस किया, आप बात मुकम्मल अच्छा कीजिए अच्छा ठीक है ठीक इंशाल्लाह। है, मैं बात फिनिश कर लेती हूँ। तो पॉइंट ये कि बेजा खर्च नहीं करना, इसराफ में नहीं पड़ना, अल्लाह ताला फजूल खर्च लोगों को नहीं पसंद करता। हमेशा याद रखें कि ब्यूटी जरूरी है, लेकिन ब्यूटी जिंदगी मौत का मसला नहीं है। तो अपनी चीजों पे, अपनी कमोडिटीज जो आपको पसंद है, कपड़ा, जेवर, बीइंग फीमेल्स, हम सबको ख्वाहिश होती है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो ये कहे कि हम कपड़े नए नहीं पहनना चाहते, अच्छे नहीं पहनना चाहते या जेवर नहीं पहनना चाहते, लेकिन इन चीजों को, ये हमारे नफ्स का इम्तिहान है कि हम दूसरी औरतों को देख के, दूसरों की चीजें देख के पागल हो जाएं और हम कहें कि अच्छा उस उसके पास ये, तो मेरे पास ये क्यों नहीं। तो कोशिश करें कि अपनी प्रायोरिटीज के अंदर ब्यूटी को बिल्कुल जगह दें, लेकिन ब्यूटी को सर पे ना चढ़ा लें। खूबसूरती जरूरी है, लेकिन खूबसूरती हमेशा याद रखें, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बात कहती हूँ, हालांकि मेरा आप देखें बिजनेस है, मुझे पैसा इससे मिलता है, लेकिन मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को एक बात कहती हूँ कि खूबसूरती जो है ना वो इनर और आउटर ब्यूटी का कॉम्बिनेशन है, ये अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती का कमाल है। ज्यादातर खवातीन बैरूनी खूबसूरती के ऊपर जोर लगाती रहती हैं, लेकिन आपकी अंदरूनी खूबसूरती आपके पेट से आती है, आपके दिमाग से आती है और आपके हार्मोन से आती है। तो अगर तो हार्मोनल इम्बेलेंस है उसको ट्रीट करें। आप क्या खाते हैं वो आपकी खूबसूरती में बहुत उसका अमल दखल होता है। अगर आप गंद खा रहे हैं तो फिर गंद ही निकलेगा चेहरे पे, ठीक है, एक्नी निकलेगी, प्रॉब्लम होंगी। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, दिमाग में बहुत फितूर है, बुरी चीजें हैं, तो फिर चेहरे पे वो आएगी। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनके चेहरे पे एक नूर होता है, वो नूर जो है वो किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट का नूर नहीं होता, वो नूर अंदर के सुकून का नूर होता है, वो नूर उनके दिमाग के सुकून, उनकी अल्लाह ताला से एक ताल्लुक का नूर, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि अब अगर हम अंग्रेजों को देख लें तो उनके चेहरे पे वो नूर नहीं होता, वो पैदाइशी गोरे होते हैं। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने दूसरों को देख के एक रैट रेस में नहीं पड़ना। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आई होगी, थोड़ी सी लंबी थी इसलिए मैंने क्विकली की। आई होप के चीजें समझ आई होंगी। अब बताइए मदिया, क्या सवाल था आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी जी बताइए। सलाम, अच्छा आज का सेशन रहा, और जिस तरह से आपने, जैसे आप ही की वाली बात है कि दुनिया और आखिरत का, दुनिया की बात करते करते दुनिया ने आखिरत का टच दिया, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह बहुत अलहमदुलिल्लाह अच्छा। अच्छा, और बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली जो अलहमदुलिल्लाह। आपने की बेसिक स्किन केयर की और फिर एडवांस स्किन केयर की। और लिटरली आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैं स्किन केयर के मामले में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी कि यार ये बेसिक वाली कौन सी होती है जो हमें डेली करनी चाहिए और एडवांस वाली कौन सी होती है। ये जैसे आपने लिप बाम और ये आई वाला बताया, मैं इसको भी बेसिक में कंसीडर करती थी। और फिर आप देखें कि यूट्यूब चैनल्स पर अगर आप चेक करें तो वहां पर वो लोग इसको बेसिक ही कंसीडर करके तो आपको अपनी ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं सिंपल कि मैं उन लोगों में से हूँ, मेरे पास अपनी मशीन्स हैं हाइड्रोफेशियल की भी और बहुत सारी भी, लेकिन मैंने 3 साल से, मेरे पास 3 साल से मेरी हाइड्रोफेशियल की मशीन है, मैंने अपना हाइड्रोफेशियल नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि मेरी होम केयर अच्छी है, तो आपकी अगर बेसिक अच्छी है तो आपको एडवांस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ एक उम्र का हिस्सा आता है जिसमें शायद एडवांस आपको ऐड करने पड़ती है, लेकिन अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको एडवांस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी ये बेसिक और एडवांस दोनों अच्छी हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके फेशियल्स और इनमें नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरा यहाँ पर दो सवाल थे। एक तो ये कि सेकंड लास्ट आई गेस वो स्लाइड थी जिसमें आपने जी बताया कि जी ड्राई स्किन वालों के लिए ये चीजें हैं, और उसमें आपने कॉम्बिनेशन स्किन, मेरी असल में क्योंकि कॉम्बिनेशन स्किन है जैसे आपने भी समझाया ना, तो उससे मुझे रिकॉग्निशन हुई कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, बट सेंसिटिविटी भी आ जाती है समटाइम्स, जैसे एलर्जी की चेहरे पर खारिश होती है या आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा खारिश हो जाना, आप या सोप फिर यूज करती जी मैं सोप यूज करती हूँ। मैं बेसिकली हैं? इसीलिए मैंने आपको सुनते साथ ही बताया है आपके सिम्टम के आप सोप यूजर हैं। लेकिन साबुन जो है ना वो मैंने इसीलिए मना किया है क्योंकि साबुन ये हाँ गड़बड़े कराता है। जी, वो जब मैंने आपका ये लेक्चर सुना है ना, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई ये सारे सोप के कारनामे हैं जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन स्किन, और वो फिर बहुत ज्यादा उसमें सेंसिटिविटी भी आना शुरू हो गई बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो एक मुझे ये बताइएगा कि ये जो माशाल्लाह आपने आज का पूरा सेशन दिया है, इसमें कौन सा ब्रांड बेहतर समझती हैं, रेकमेंड करना चाहेंगी कि जो ऑल स्किन टाइप्स के लिए बजट के अंदर भी हो, यानी नॉमिनल चार्जेस हों उसके, और आपको लगता है कि उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे हैं? अच्छा, आप फिक्र ये कि क्योंकि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैटर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा ब्रांड हो जो आपके पास इंडिया पाकिस्तान में मिलता हो और वो यूके में ना मिलता हो, या कोई यूके में मिलता हो। दूसरी बात ये कि ब्रांड स्पेसिफिकली मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करती क्योंकि किसी भी ब्रांड का हमेशा याद रखिए, बड़े से बड़ा ब्रांड है, किसी भी ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होती। कुछ उनके बेस्ट सेलर्स होते हैं जो आप हमेशा देखें कि अगर आप किसी भी ब्रांड को उठा लें तो उसकी कोई एक दो चीजें बेस्ट सेलर होंगी, बाकी सब कुछ नहीं बिकता। तीसरी चीज ये होती है कि बजट हर बंदे का डिफरेंट होता है। मैं आपको अगर सनब्लॉक की एग्जांपल दूं तो सनब्लॉक पाकिस्तानी अगर मैं प्राइस में बताऊं तो 5,000 रुपए से स्टार्ट होता है सनब्लॉक, और अप टिल 60,000 रुपए, 60,000 तक का सनब्लॉक अवेलेबल है मार्केट में, जो 500 रुपए, 500 रुपए से 60,000 तक की रेंज अवेलेबल है। तो सनब्लॉक के अंदर मैं, या प्रोडक्ट के अंदर मैं स्पेसिफिकेशन बता देती हूँ, लेकिन जो ऑब्वियसली मेरे पास डायरेक्ट फेस टू फेस कंसल्टेशन आती है उसमें क्योंकि मैं पेशेंट से खुल के उसका बजट और बाकी चीजें बात करती हूँ, मैं उसके हिसाब से उसको बताती हूँ। लेकिन ब्रांड या वो मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके पास 2,000 का बजट हो और मैं जो आपको ब्रांड बताऊं वो 4,000 के बजट वाला हो। सो इसमें ये कि थोड़ी सी रिसर्च करें, आप लोग मुझसे मशवरा कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी सारी दुनिया के सारे ब्रांड नहीं पता होंगे, लेकिन ये कि जितना मैं आपको गाइड कर सकूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ही ये था कि उसमें हम जो चीज हम क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते वो हम उधर डिस्कस कर लें। ठीक है ना? आज अच्छा आमीन आमीन। मैं बाकियों के भी जरा क्वेश्चन पढ़ लूँ, कुछ मेरे पास चैट में आए हुए क्वेश्चन, और फिर हम बस मगरिब की नमाज के लिए निकलते हैं। लुबना पूछ रही, डॉक्टर व्हाट इज द बेस्ट होम रेमेडी टू ट्रीट स्क्वेयर बॉडी एक्नी, कैन बी यूज द सेम प्रोडक्ट्स फॉर बॉडी दैट वाज सजेस्टेड टू ट्रीट फेस एक्नी? नहीं लुबना, जो फेस की एक्नी, जो हमेशा याद रखिए कि जो फेस की प्रोडक्ट है वो बॉडी पे काम नहीं करती क्योंकि बॉडी की स्किन थिक होती है, फेस की नाजुक होती है। बॉडी पे ऑब्वियसली बाल वगैरह भी ज्यादा होते हैं, फेस पे उस तरह नहीं होते। दूसरी बात ये कि अगर बॉडी पे एक्नी है तो फिर सिर्फ प्रोडक्ट लगाने से काम मसला हल नहीं होगा, फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा क्योंकि पॉसिबली आपको एंटीबायोटिक या किसी दवा का, खाने वाली दवा का कोर्स करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी पे हम लगाने के लिए क्रीमें नहीं देते। ऑब्वियसली क्योंकि आपने बॉडी पे कपड़े पहने होते हैं, तो अगर हम चेहरे की क्रीमें होती हैं जो कि हम सुबह शाम अगर माइल्ड एक्नी हो तो लगा के उनको टॉपिकली ट्रीट कर देते हैं, लेकिन बॉडी की एक्नी जब भी होगी इसका मतलब है कि दवा खानी पड़ेगी, और यूजुअली खाने वाली दवा का कोर्स होता है जो 1 से 3 महीने या 6 महीने का कोर्स होता है, तो उसके लिए फिर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर होंगे। अच्छा जी, रेमेडीज फॉर डार्क एल्बोज एंड नीज ऑल्सो प्रोडक्ट्स विद बेंजोइल अल्कोहल अलाउड? बेंजोइल परऑक्साइड होती है, बेंजोइल अल्कोहल। अच्छा एक चीज और हमेशा याद रखिएगा कि जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स में यूज हुई होती है, ये मुझसे पिछले दिनों भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, जो अल्कोहल है
वो टॉपिकली नजस नहीं है, ठीक है। अल्कोहल पीना हराम है, और उसमें भी ये जो उलमा है वो ये कहते हैं कि अगर कुछ जैसे होम्योपैथिक की कुछ दवाइयां होती हैं जिसके अंदर अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेंट डली होती है, ठीक है, या एज अ ट्रीटमेंट के लिए उसमें कोई उनकी जो हर्ब्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट होता है, तो अगर ऐसी दवाएं जिसमें ऑब्वियसली वो दवा लेना जरूरी है उसके अंदर अगर थोड़ी मिकदार में, और वो डॉक्टर्स की सजेशन है, मतलब खुद ही नीम हकीमी आप नहीं कर रहे, तो थोड़ी सजेशन है, तो स्कॉलर्स कहते हैं कि वो जायज है। एज फार एज टॉपिकल लगाने की बात है, तो टॉपिकल में जैसे परफ्यूम्स होते हैं या मुख्तलिफ ऐसी चीजें, जैसे हम डॉक्टर्स जो अल्कोहल स्वाब्स यूज करते हैं तो वो प्योर अल्कोहल होती है। लेकिन ये कि टॉपिकली जो है वो लगाने के लिए अल्कोहल नजस नहीं है, क्योंकि जिस आयत से अल्कोहल का हुक्म आया है, इनमल खमरु वल मैसिरु वाली जो आयत है, मुझे सूरत का नंबर याद नहीं है, इनमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन मिन अमल शैतान फजतनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो उसके अंदर जो पासे के तीर और जो गैम्बलिंग वगैरह का जिक्र हुआ है, तो बेसिकली अगर आपके पास ताश के पत्ते हैं और वो आपने जेब में रखे हुए हैं, तो ताश के पत्ते नजिस नहीं होते, ठीक है। ताश खेलना, जुआ खेलना नजिस है। अगर आपके पास वो जो ताश के पत्तों का कार्ड है वो जेब में है, तो वो नजिस नहीं है, ठीक है। तो टॉपिकली जो अल्कोहल है लो क्वांटिटीज में, मतलब ये नहीं कह रहे कि आप शराब की बोतल से नहा लें खुदा ना खास्ता, लेकिन टॉपिकली जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो बेंजाइल अल्कोहल नहीं होती, यूजली बेंजाइल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड होती है प्रोडक्ट्स के अंदर, सो दैट इज परमिटेड। ये मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। डार्क एल्बोज और नीज जो है वो किस वजह से हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा देखिए स्किन जो है ना, वो जब कोई अल्टीमेटम देती है तो उसकी अंदरूनी या बैरूनी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप सिर्फ उसको टोटके लगा के हल करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो 19-20 का उस पर फर्क पड़ जाए, लेकिन अगर अगर उसका स्टिमुलस एक कहीं से आ रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल, तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि डार्क नीज क्यों हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घुटने अगर डार्क हो रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि मेरे बैठने की पोजिशन में क्या मसला है, या मैं कुछ लोगों के सजदे की वजह से, क्योंकि घुटने पे प्रेशर आता है तो घुटने डार्क होने लग जाते हैं, या अगर स्किन ड्राई रहती है आप उसको मॉइस्चराइज नहीं करते तब भी ड्राई रहते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हैं, स्पेशली अगर किसी का जनरल बॉडी कम्प्लेक्शन डार्क है तो उसके नीज भी डार्क होंगे ऑटोमेटिकली, तो ये उसको ये देखना पड़ेगा आपको कि पॉजिटिव एजेंट क्या है। अच्छा, अंडर लेग्स लाइटन करने के लिए, अगेन अंडर लेग्स क्यों डार्क हो रहे हैं, अगर बॉडी वेट ज्यादा है। इसके अलावा अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स डार्क होने की एक और रीजन मेडिकली होती है कि HbA1c हम पेशेंट का चेक कराते हैं, क्योंकि एक कंडीशन होती है कैंथोसिस नेग्रिकेंस के नाम से, जिसके अंदर बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाती है, और उससे जो है वो अंडर आर्म्स अंडर लेग्स या गर्दन की बैक साइड डार्क होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को फिर हम ब्लड टेस्ट पहले सजेस्ट करते हैं, उसका HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, अगर वो ज्यादा हो तो फिर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट करना होता है, और उसके ट्रीटमेंट के साथ ऑटोमेटिकली ये पिगमेंटेशन बेहतर होने लगती है। कभी कभी अंडर आर्म अंडर लेग्स के अंदर पसीना बहुत ज्यादा आता है, हल्की सी एग्जिमा या इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग डिवेलप, रैशेज डिवेलप होने लग जाते हैं, वो रैशेज जब ठीक होते हैं तो जगह डार्क हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को वैक्सीन से एलर्जी होती है, उससे उनके अंडर लेग्स डार्क हो रहे होते हैं, कुछ लोगों को क्रीम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को रेजर से एलर्जी होती है उसकी वजह से, तो मल्टीपल कॉज होते हैं। तो जो इंडिविजुअल कंसल्टेशन होती है वो इसीलिए जरूरी होती है कि कभी कभी आप टॉपिकली चीजों को सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते जब तक आप उसका अंडरलाइन कॉज ना ट्रीट करें। हाइड्राफेशियल, आलिया कह रही है हाइड्राफेशियल पे, अच्छा हाइड्रा के ऊपर मैं बात आपको फिर टेक्स्ट पे उस पर ग्रुप पे इंशाल्लाह कर लेंगे हम, क्योंकि थोड़ा डिटेल हो जाएगा। हफ्सा शेख कह रही हैं लिप्स के सराउंडिंग में डार्क हो जाए तो क्या करें। हफ्सा सबसे पहले चेक करें कि आपकी लिपस्टिक या लिप लाइनिंग तो गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप अगर क्वालिटी ऑफ लिपस्टिक या लिप लाइनर जो आप यूज कर रही हैं वो खराब यूज कर रही हैं, या उसको आप रिमूव नहीं करती, यू डोंट यूज अ मेकअप रिमूवर उस लिपस्टिक को रिमूव करने के लिए, या वो आपकी लिपस्टिक या लिप लाइनिंग एक्सपायर हो चुकी है, ये तीन चार रीजन होती हैं अगर लिप्स की लाइनिंग स्पेशली डार्क हो रही है, क्योंकि कोई चीज उस जगह को इरिटेट कर रही है जिसकी वजह से वो जगह डार्क हो रही है। तो अक्सर तो ये लिपस्टिक या लिप लाइनिंग से, 90% केसेस में ये लिपस्टिक और लिप लाइनिंग के साथ इसका ताल्लुक होता है। 10% केसेस में अगर एजेस ऑफ माउथ डार्क हो रहे हैं तो कुछ लोगों को टूथपेस्ट से प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को विटामिन बी डिफिशियंसी होती है, अगेन पॉजिटिव एजेंट देखना जरूरी होता है। मदिया कह रही है ऑनलाइन कंसल्टेशन करती है, मदिया बड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे पास टाइम बचता नहीं ऑनलाइन कंसल्टेशन का,
क्योंकि मैं ऑलरेडी सारी चीजों में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड होती हूँ, तो ऑनलाइन में मेरी कंसल्टेशन बहुत लंबी हो जाती है एक्चुअली। आफरीन कह रही है अल्कोहल परफ्यूम्स की क्या रोलिंग है। आफरीन मैंने अभी इसका जवाब दिया, पर अल्कोहल रोलिंग, अल्कोहल परफ्यूम, अल्कोहल इटसेल्फ नजस नहीं है, परफ्यूम्स में थोड़ी परसेंटेज होती है, अल्कोहल परफ्यूम लगा के आप नमाज पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अल्कोहल पीना हराम है, अल्कोहल बेस्ड चीजें जो हैं, वही बात अगेन कि अल्कोहल के टब में नहाना नहीं है आपने, लेकिन अगर थोड़ी सी क्वांटिटी है उसके अंदर तो इटसेल्फ नापाक नहीं है। लिप बाम, मदिया कह रही है लिप बाम खरीदी है मैंने विच हैज बेंजाइल अल्कोहल, सो आई वाज वंडरिंग इफ इट्स ओके टू यूज इट बिकॉज इट माइट गेट इंजेस्टेड। बेंजाइल अल्कोहल मुझे चेक करनी पड़ेगी कि लिप बाम में डली है तो ये इसका फॉर्मुलेशन क्या है, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स होती हैं, इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली ब्रांड या वो चीजें गाइड नहीं कर रही क्योंकि ये जरा ट्रिकी होती हैं, इसके ऊपर जो फिक की रूलिंग लगती है वो देखनी पड़ती है कि प्रोडक्ट जो इटसेल्फ है उसमें परसेंटेज कितनी आई है, प्लस ये कि अगर थोड़ी परसेंटेज है तो लेट इट गो, फिर प्रोडक्ट सिर्फ लग रही है या वो, क्योंकि लिप पे जो चीज लगती है वो आप खा भी जाते हैं तो उसके अंदर परसेंटेज कितनी है, फिर वो अंदर तो नहीं जा रही, पेट में तो नहीं जा रही। तीसरी रूलिंग ये देखनी होती है कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी तरह होती हैं जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती, और जब प्रोडक्ट तैयार होती है तो जो इंग्रेडिएंट होता है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है कम्प्लीटली एंड ऑफ प्रोडक्ट में। तो ये प्राइमरीली तो फील्ड जो है ये फार्मासिस्ट की है, ये मेरी फील्ड नहीं है, इसके ऊपर मैं रिसर्च कर सकती हूँ लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है तो मैं उसको उस तरह नहीं पढ़ सकती जिस तरह मैं आपको ये ब्यूटी और इन चीजों के बारे में बता सकती हूँ। बट इंशाल्लाह आई विल चेक विद सम फार्मासिस्ट, जो कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फार्मासिस्ट हो जिसने दीन को भी पढ़ा हो और इन चीजों को भी पढ़ा हो, तो इसके बारे में फिर आपको मैं लिप बाम के बेंजाइल अल्कोहल वाली चीज से चेक करके बताऊंगी इंशाल्लाह। सो आई होप अब टाइम हो गया आई थिंक, बाकी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में इंशाल्लाह आप लिख के पूछ लीजिएगा जिसको भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, और कोशिश किया करें लेक्चर सुन लिया करें, रिकॉर्डिंग सुन के फिर मुझसे सवाल किया करें, बिकॉज जो चीज मैं ऑलरेडी लेक्चर में जवाब दे चुकी होती हूँ फिर जब वो मुझसे सवाल आता है तो मेरे लिए थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे कामों के बीच में से आपको जवाब दे रही होती हूँ। तो कोशिश करें कि लेक्चर सुन लें तसल्ली से, फिर कोई चीज समझ ना आए फिर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, और अगर अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी आप सजेस्ट करते हैं तो उनको ये जरूर बताया करें कि पहले लेक्चर सुनना उस टॉपिक के बारे में और उसके बाद सवाल करना, ठीक है, क्योंकि फिर वो ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ तो मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाता है कि मैं बार बार स्टूडेंट को एक ही चीज के बारे में जवाब दूं, ऑल्दो कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता करे और हम सबको इस पेशेंस के साथ दीन का काम फैलाने की तौफीक दे कि हम कभी तंग ना आए कहीं पर भी, लेकिन ये कि कोशिश करें कि लेक्चर सुन लें पहले और उसके बाद फिर सवाल जवाब पे आया करें, ठीक है। सो इनशाला आप लोगों से मेरी, अब नेक्स्ट ट्यूजडे हम इसी की इंग्लिश में करेंगे वर्जन, और इनशाला उसके बाद आई थिंक 24 तारीख पड़ेगी जो अगले से अगला ट्यूजडे, सो उसपे हम फेक ऑफ नेल्स करेंगे इनशाला इनशाला, तो उसमें हम बहुत नेल्स को डिस्कस करेंगे, हम एक्रेलिक जेल्स नेल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, उसमें हम हलाल नेल पॉलिश जो आजकल बड़ी इन है उसको डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर इस्लाम क्या कहता है। तो इट्स गोइंग टू बी अ फन क्लास इनशाला, तो ये कि इनशाला जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी। अब मगरिब का टाइम क्योंकि हो रहा है यहाँ पर तो रैप अप करते हैं क्लास। जजाकल्ला खैर, आप सबने क्लास अटेंड की सुनी, और इसमें थोड़ा सा ही दीन का पोर्शन था लेकिन जो कुछ था इसराफ से बचिए, अपनी इनर ब्यूटी के ऊपर फोकस करें, और अल्लाह ताला हम सबको क्यामत के दिन रोशन चेहरों के साथ उठाए और हमारा नामायामाल हमें सीधे हाथ में राइट हैंड में पकड़ाए ताकि हम सब कामयाब लोगों में शामिल हो, आखरत की फला नसीब करें। आमीन सुम आमीन। जजाकल्ला खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।